श्री अनिल कुमार जी पांडे मंच पर आए और परम सिद्धे का तिलक वंदन कर माल्यार्पण करें। श्री अनिल कुमार सिंह, अनिल कुमार पांडे जी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए श्री अवधेश सिंह भदौरिया सचिव, तालियों से सभी लोग सम्मान करें, नीचे सभी लोग तालियां बजाएं। और हमारे बीच डॉक्टर शुभम मिश्रा सीएससी बेला, जो कि हमारे आरजी मिश्रा उनके सुपुत्र और बेला में डॉक्टर हैं, और हमारे डॉक्टर साहब भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के। और इसी श्रृंखला में मैं निवेदन करूंगा सर्वेश कुमार जी साक और श्री कोमल सिंह भदौरिया सूरजपुर, और इसी श्रृंखला में श्री नमो नारायण जी अवस्थी। मैं निवेदन करूंगा आप श्री से आए और परम सिद्धे का माल्यार्पण कर सम्मान करें। और इसी श्रृंखला में श्री बंटू तिवारी जी, और पुनः आप सबसे ये अनुरोध कि जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो सभी से मेरा निवेदन कि आप लोग समय की परिधि में कथा पांडाल में आए और आज की ये दिव्य कथा मानस की, जो विराम दिवस की कथा, और कल इस कार्यक्रम का पूर्ण आहुति हवन भंडारा जोरदार तालियों से सम्मान करें। और अब आपका अधिक समय न लेते हुए जिस कार्य के लिए, जिस हेतु के लिए हम सब यहाँ आए, जिस हेतु हम सब यहाँ पर आए उपस्थित हुए, मैं चाहूँगा परम सिद्धे मंच पर हैं और परम सिद्धे के रसमय वाणी के द्वारा बहुत ही मानस की दिव्य चर्चा हम सब लोग श्रवण करेंगे। और जो अभी तक कथा पांडाल में नहीं, पुनः ये निवेदन कि आप वंचित न रह जाएं। हमारा जैसा है कि ये कथा बहुत ही सुंदर कथा, ऐसे से बहुत ही बड़े बड़े मंचों के, ये आपका सौभाग्य कि हम लोगों को परम सिद्धे का कार्यक्रम मिला और आपके बीच। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और परम सिद्धे की कथा को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमारे देवघर धाम से पधारे संत श्री पाठक जी महाराज, मैं निवेदन करूंगा मंच पर आए श्री पाठक जी महाराज। और उनके साथ नारद जी, वो भी संत हैं, हमारे चुन्नू तिवारी मंच पर लाए और उचित आसन देकर। और मैं समिति के हमारे जिम्मेदार कार सेवक छुन्नू तिवारी से अनुरोध करूंगा दोनों लोगों का माल्यार्पण कर सम्मान करें, हमारे पाठक जी जो देवघर धाम से हमारे बीच, और उनके साथ संत श्री नारद जी। आप लोग सम्मान करें और सभी लोग तालियों से एक स्वर में सम्मान करेंगे। और अब हमारे बीच परम सिद्धे के द्वारा, उनकी रसमय वाणी के द्वारा आज मानस की दिव्य चर्चा हम सभी लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योति।
मृत्युर्गमे मृत्योर्मामृतम गमे खंबायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंश्चि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि खंबायुमग्निम सलिलम महीम च ज्योतिंश्चि सत्वानि दिशो द्रुमादीनि सरितु समुद्रांश्च हरे शरीरम् यत किंच भूतम् प्रगमेद नन्या नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वाम भागम् नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वाम भागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सोदय सुरत अजीर बिहारी ऐसे बीनु हरि भजन खगेसा अमितै न जीवन केरी कलेसा तराई नबीनु से ये मौन स्वामी तराई नबीनु से ये मौन स्वामी राम नमामि 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 का हनुमान विपति प्रभु सोई अजब तव सुमिरन भजन न होई लेकिन जब होई बरसहि राम सुजस बैर बारी बरसहि राम सुजस बैर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी बड़ दुख कवन कवन सुख भारी अकहु नाथ संक्षेप विचारी नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख को न कहे सरदा तपनी सी शशि अपहर संत दरस जीमी पातक टहर और अंत में सिया राम मैं सब जग जानी सिया राम मैं सब जग जानी कराऊं प्रणाम जोरी जुग पानी बोलिए सिया रामचंद्र की परमात्मा के नाम पर एक दफा बा आवाजें बुलंद बोलिए बोलो बजरंग बली की
हर एक इंसान की, भक्त और भगवान की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। परम सम्मानित सज्जनों, माताओं, बहनों, प्यारे छोटे बच्चों, सबका सादर हार्दिक अभिनंदन। आयोजन समिति के तमाम मेंबरान, अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सचिव जी, कोषाध्यक्ष जी, पदाधिकारी जन, कार्यकर्ता जन, आप सबका सादर विशिष्टतम हार्दिक अभिनंदन। मंच पर आसीन वित्तद्वय, सुदूर देवघर से आप आए हैं और सच में सनातन धर्म की मूल प्रज्ञा को अंतश्चेतना में धारण करके, और जब कोई ऋषि चेतना मंच पर आसीन होती है तो सच में मंच का एक अपना आभा मंडल होता है। विद्वानों का नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, सादर विशिष्टतम हार्दिक अभिनंदन। अपनी कलाकारी से, फनकारी से, अपने गायन के द्वारा आपको मंत्रमुग्ध कर रहे थे ये दोनों कलाकार, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। सच में कहा गया है कि संगीत में भाई, संगीत को सुनकर के सांप भी नाचने लगता है, तो हम लोग तो आदमी हैं। ढोलक वाले भैया, नाल वाले तो ऐसा बजा रहे हैं कि अगर एक कब्रिस्तान में अपना नाल बजा दें तो मुर्दे भी उठ के बाह बाह करना शुरू कर देंगे। तो बहुत बहुत आपका अभिनंदन, अभिवादन। और संचालन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने वाले हमारे विद्वान संचालक गुड्डू श्रीवास्तव भैया, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। श्री दिनेश सिंह भदौरिया जी, बहुत बहुत अभिनंदन। हरशंकर तिवारी जी, श्री प्रेम शंकर तिवारी जी, श्री नरेश सिंह जी भदौरिया, श्री रविंद्र कुमार मिश्रा जी, श्री पवन अग्निहोत्री जी और श्री प्रताप सिंह जी राजावत, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आपकी समिति को, आपके क्षेत्रवासियों को, विधुना नगर को एक श्रेष्ठतम कार्यक्रम के समापन प्रक्रम में पहुंचने की बहुत बहुत बधाई। ये सिलसिले चलते रहें। आप मौसम जब आते हैं तो बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं हमारे हाथ को मजबूत करिए, हमारे हाथ को मजबूत करिए, हमारे हाथ को मजबूत करिए। सियासत का जब मौसम आता है तो मैं जनता से कहूंगा कि वो सब आपका मसला है, आप जाने, लेकिन इस समिति के हाथों को मजबूत करिए ताकि आपके नगर को कार्यक्रम देखने को, सुनने को मिलता रहे, ये बुनियादी बात है। तो और दूसरी बात मैं आपसे कहूं संकीर्तन से पहले कि जिंदगी में तमाम मसले हैं, कुछ गमे दुनिया है, कुछ गमे रोजगार है। आप समझो जिंदगी ने इतना व्यस्त और आपाधापी पैदा कर दी है, लेकिन इसी में अपने मूल को हमको भूलना नहीं है। और उसका तरीका यह है कि लक्ष्य का ध्यान रहे कि हमको एक बेहतर मनुष्य बनना है, और जिसे आप परमात्मा कहते हैं उधर अपनी चेतना को, अपनी प्रज्ञा को आप बनाए रखें, जिसे आप डेस्टिनेशन कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ध्यान से सुनना। आप सफलता और असफलता की परिभाषा मनुष्य कई बार अपनी मूर्खताओं से तय करता है। सवाल जीवन में सफल होने का नहीं है, सवाल जिंदगी के सफल होने का है। बहुत लोग सफल तो हो जाते हैं लेकिन जीवन में सफल नहीं आता है। और कई लोग हो सकता है कि जिंदगी में ऐसी कोई भौतिक तरक्की ना दिख रही हो लेकिन इतना सफल जीवन हो कि अपने आप में वो अद्भुत जीवन जी करके जाएं। जिंदगी में आना कैसा हो और जिंदगी से जाना कैसा हो, यही तो अध्यात्म की मूल चेतना है, उसकी मूल प्रज्ञा है। एक ट्रेन में कई यात्री जा रहे थे और बंबई, आजकल बंबई कहने पर हंगामा होता है, सो मुंबई, मुंबई जा रहे थे। तो मतलब ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी, और जब स्टेशन पर रुकी कहीं तो एक आदमी भाग करके गया और टोंटी से पानी अपने बाटल में भरने के लिए वो पहुंचा, लेकिन टोंटी पर बाटल को लगाए हुए था और आंख ट्रेन पर थी कि कहीं ट्रेन न छूट जाए। इस चक्कर में बाटल हिल रही थी और अभी पानी उसमें जा भी नहीं पाया था तब तक ट्रेन ने हॉर्न दे दिया, वो बिना पानी भरे लौट करके चला आया। एक बगल में आदमी बैठा था, उसने कहा कि मूर्ख कहीं का, बिना कंसंट्रेशन के और बिना अटेंशन के कोई काम होता है? सफलता के लिए एकदम अवधान जरूरी है। देख अगले स्टेशन पर मैं पानी भर करके लाऊंगा। अगला स्टेशन आया, गाड़ी रुकी, का दे बाटल, और गया और बाटल को ठीक से उसमें टोटी में लगाया, टोटी को खोला और एकदम जब बाटल भर गया तब उसको ढक्कन बंद किया, जब पीछे घूमा तो ट्रेन गायब थी। पहला वाला पानी भरने में असफल था, दूसरा वाला सफल था, लेकिन सोच के बताओ कौन सफल था और कौन असफल था।
आप पानी भरने नहीं गए थे, ट्रेन में बैठ करके मूंगफली खा लेते हैं, लेकिन आप मूंगफली खाने के लिए ट्रेन में नहीं गए। पकौड़ी खा लेते हैं, लेकिन पकौड़ी खाने के लिए ट्रेन में नहीं गए हैं, वो तो आपकी डेस्टिनेशन मुंबई है। ठीक उसी प्रकार दुनिया में तमाम कारोबार आपको करने होते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि डेस्टिनेशन कहां है, जाना कहां है। और ये अवसर आपको बेहद महत्वपूर्ण लगेगा जब इस बात को आप सोच लेंगे, क्योंकि यकीन मानिए ईश्वर अपने अधिकतम मौकों में अवसर के रूप में हमें हासिल होता है। मैंने कहीं पढ़ा था एक बोध कथा को, आप समझो कि एक नगर में बाढ़ आ गई, सब लोग डूबने मरने लगे, और जब सब लोग डूबने मरने लगे तो एक पुजारी जी थे, उन्होंने बहुत अपने जिंदगी में पूजा किया था, बहुत पूजा किया था। सब जब लगे डूबने, कमर तक पानी आ गया, सब भागने लगे, तो एक नाव वाला पुजारी जी के पास आया कि चलिए 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 आपको ले चलता हूं। कहा नहीं, मैं तुम्हारे भरोसे नहीं कायम हूं, मैंने पूजा किया है, वो हमको आकर के बचाए। वो चला गया, पानी गले तक आ गया, स्टीमर वाला आया, और स्टीमर वाला आकर के बोला कि चलिए आपको ले चलते हैं आपको, डूब जाएंगे। आपका ना, मैं तुम्हारे भरोसे हूं, मैं उसके भरोसे हूं, तुम जाओ, जब उसकी भक्ति किया है वो बचाएगा। पानी नाक पर आकर के लहराने लगा, हेलीकॉप्टर दस्ता आया, सीढ़ी लटकाया, आ जाइए गुरु, बचा ले चलते हैं आपको। कहा जा, मुझे भरोसा है अपने भगवान पर। हेलीकॉप्टर वाला चला गया, पंडित जी डूब गए, पुण्यों की पूंजी तो थी, जाहिर सी बात है स्वर्ग पहुंचे, और स्वर्ग जाते ही बैकुंठ में परमात्मा से ही भिड़ गए, बदनामी कराते हो हमारी, तुम्हारा भरोसा किया दुनिया के सामने, कहा वो मुझको बचाने आएगा, तुम आए नहीं, बताओ कितनी बेइज्जती हुई। परमात्मा ने डांटा कि चुप करो, पहली बार तेरे पास मैं नाव बनकर के आया था, तू पहचान नहीं पाया, दूसरी बार मैं तेरे पास स्टीमर बनकर के आया था, फिर भी तू चूक गया, तीसरी बार मैं हेलीकॉप्टर के प्रारूप में तुम्हारे पास आया था, अब क्या जंबो जेट एयरवेज बनकर के आऊं। अवसर में ही ईश्वर अपनी चेतना को उतारता है, और अवसर के भीतर छिपे ईश्वर को जो पहचान नहीं सकता, ध्यान रखना बड़ी मासूम उसकी भक्ति हो जाती है, फिर तो बात नहीं बनती है। चर्चा करेंगे दो बार नाम संकीर्तन के बाद, नाम संकीर्तन की प्रक्रिया में आप सभी लोग शामिल रहेंगे, कोई चुप नहीं होगा, कोशिश करिएगा कि कोई चुप ना हो, पूरे उत्साह के साथ और संकीर्तन करिएगा। आपका उत्साह हम जैसे लोगों के लिए संकेतक बनता है कि कब तक बोलना है और क्या बोलना है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम। अरे इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर के देखो, दुख ही दुख है जीवन में तो इसको गा कर के देखो, बन जाएंगे बिगड़े काम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम। अरे ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर पीर ना उतरे, आकर पी लो ऐसा जाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम,
श्री राम जय राम। अरे जिस पानी से प्यास बुझे ना, उस पानी को पीना क्या। जिस जीवन में तू ना हो तो उस जीवन को जीना क्या। तू ही सुबह तू ही शाम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम। अरे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो भी हो तुम आवो तो, सारे बैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो। तेरे भी हैं मेरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और इस बार दोनों हाथ उठा करके सब लोग समवेत स्वर में बोलेंगे और पूरी त्वरा के साथ बोलिएगा। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बोलिए बजरंग बली की, बोलो भारत माता की, भारत माता की। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। समापन का प्रक्रम है और राम कथा की एक विशिष्टतम परंपरा है कि समापन के प्रक्रम में जो समापन वक्ता होता है वो भगवान राम को राजगद्दी पर बैठा देता है ताकि कथा की संपूर्णता का कैप्सूल क्लोज हो सके। ध्यान रखना हर घड़ी चश्मे खरीदार के में रहने के लिए। शकील आजमी का शेर है कि हर घड़ी चश्मे खरीदार, ग्राहक हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, और कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब मैंने देखा है जो शेरों की तरह रहते थे मस्खरे बन गए दरबार में रहने के लिए। अब तो बदनामी से शोहरत का वो नाता है कि नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। ध्यान रखना जब माहौल इतना खराब होता चला जाए और जमाना अंधेरे को ही उजाला समझे, बुराई को ही अच्छाई समझ ले, तो समझ लेना हमेशा राम राज्य का प्रक्रम हमें याद दिलाता रहेगा कि हमारी समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। इसीलिए संतों ने कहा कि राम एकमात्र राजा हैं जिनके पीछे भूतपूर्व नहीं लगे। भूतपूर्व एमपी हैं, भूतपूर्व एमएलए हैं, भूतपूर्व पीएम हैं, भूतपूर्व सीएम हैं, सब भूतपूर्व हैं। आज नहीं है तो कल होंगे। ध्यान रखना सबके नाम के पीछे भूतपूर्व लग जाएगा, सारे पदों के पीछे भूतपूर्व लगता है बाद में। अगर खिलाफ है होने तो जान थोड़ी है, ये बस धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं उनका मकान थोड़ी है, सब भूतपूर्व होंगे। लेकिन आज तक किसी संत को आपने कहते हुए सुना कि बोलो भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय? जिसने जयकारा बोला कहा बोलो राजा रामचंद्र की जय। कारण क्या है? हमेशा के लिए राजा राम। कारण सिर्फ इतना है कि बाकी राजाओं ने किलों में बैठ करके दुनिया पर राज किया, लेकिन राम ने किलों में नहीं जनता के दिलों में बैठ करके राज किया। इसीलिए राम अभूतपूर्व राजा। क्या कूदा है बंदर है का हो?
आपके इलाके में आने पर वृंदावन की याद आ जाती है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि व्यासों का मोबाइल लेकर के नहीं भाग रहे हैं, है ना। और मतलब आप समझिए, बंदरों से निपटना आसान हो गए हैं, रावण नहीं निपट पाया, है ना। तो आम आदमी के औकात क्या है, तो बारीकी के साथ देखना आप ऐसे दौरे दौरा में। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ ना कि इधर सबसे खराब हालत होगी बेचारों की टेंट वालों, अच्छे से अच्छा पर्दा लगाए और फाड़ के अभी व्यास की खोपड़ी पर उलट आएगा, कोई भरोसा नहीं ऊपर है सर। तो ध्यान से देखिएगा, बारीकी के साथ चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। राम राज बाबा तुलसी जैसा आप समझो, विद्वान चेतना का व्यक्तित्व ही कह सकता था। हर काल के राजाओं के लिए एक संदेश भेजा, और मैं तो कहता हूं कि एक चौपाई इतनी खास है कि उसको देश के संसद भवन पर लगा देना चाहिए कि राजाओं सुन लो, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी असोनिप अवैसी नरक अधिकारी सोनिप अवैसी। ध्यान से बैठना माता जी, टपकेगा तो काट लेगा, काटेगा तो वही सुई लगती है जो कुत्ता काटने पर लगती है। हाँ, मैं कुत्तों और बंदरों से बहुत डरता हूँ, बहुत डरता हूँ। तो विधुना के हॉस्पिटल में वो वाली रेबीज वाली सुई उपलब्ध है कि नहीं है, कमेटी पता कर लेगी। हाँ, नहीं तो व्यास बेचारा यहाँ से लौट करके जाए और भौं 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 करे, क्या मतलब उसका। हाँ, और हम लोगों के साथ बहुत गजब गजब घटनाएं घटती रहती हैं, पूरे देश की यात्रा चलती है। एक जगह तो एक साहब ने बुलाया और घर में बिठाया सोफे पर, और वो चले गए चाय लाने, गुरुजी चाय लेकर के आ रहा हूँ। अब उनका कुत्ता एक था, वो पालतू था, वो हमको देख करके घूरना शुरू कर दिया, जो निगाह मिले त्यों गुर्राए। मुझे डर लगा कि काट लेगा, मैंने मुंह बाएं घुमाया तो बाएं आके घूर रहा है, फिर मैं दाहिने घूम गया तो इधर से आया गुर्रा रहा है। मैं थर 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 पसीना पसीना मनाऊं कि जल्दी चाय लेकर के आओ भाई। 15 मिनट बाद वो चाय लेकर के निकले, गुरुजी चाय। हमने कहा चाय छोड़े, तुम्हारे कुत्ते को हमसे क्या टेंशन है, बाएं कर रहा हूँ, बाएं कर रहा, दाएं कर रहा हूँ, दाएं कर रहा, काट लेगा यार। कहा नहीं गुरुजी, घबराइए मत, काटेगा नहीं, असल में जिस सोफे पर आप बैठे हैं ना उसी पर ही बैठता है ना, तो आपको देख करके टेंशन में आ गया है, और कोई बात नहीं है। तो ध्यान रखना आप, मैं बहुत डरता हूँ, और सब अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है। अब बात याद आ गई तो आपसे कह दूं, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी था, वो मतलब ग्रेजुएशन के काल में तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, बहुत हमको मानते थे, बहुत मानते थे। तो एक दिन उन्होंने बताया कि एनिमल साइकोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं होती है, मनोविज्ञान मनुष्यों का होता है, पशुओं का मेंटल सेट होता है, मनोविज्ञान नहीं, फिर भी कुछ चीजें तय हैं। तो हमने क्लास में कहा, क्या क्या चीजें सर? तो कहा कि कुत्ता अगर आपको दौड़ाए, अगर भागोगे तो काट लेगा, ये पक्का है, और खड़े हो जाओगे तो कुत्ता वहीं पर खड़ा होकर के भौंकेगा, उन्मुख होगा लेकिन बढ़ेगा नहीं, और जो आप भागे तो दौड़ा काटेगा। और ये लगभग देखा हुआ सच भी है, कुत्ता आपकी ओर बढ़े है रुक जाओ, या फिर फुसलाई ओ आ, 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 ऐसा करेंगे आप रुक जाएगा, वो भागेंगे तो दौड़ा काटेगा, क्योंकि उससे तेज आप भाग नहीं सकते। हमने कहा सर एकदम पक्का का, एकदम पक्का है भाई, ये शोध है। क्लास ओवर हुई, सब लड़के अपने अपने घर जाने लगे। उन्होंने हमसे कहा तुम कहां जा रहे हो, चलो मेरे वहां तुमको मैं चाय पिलाता हूं तब वापस आना। तो मैं उनके साथ चल दिया, एक गली से हम लोग गुजर रहे थे, तब तक इतना मोटा कुत्ता जो है अचानक छलांग मार के भौं 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 करना शुरू किया। मैं तो गली में दुबक गया, प्रोफेसर साहब भागने लगे भागने, और जब भागने लगे तो मैं चिल्लाया, अरे सर आप क्यों भाग रहे हैं, आपने तो मनोविज्ञान पढ़ा है। अरे यार मैंने मनोविज्ञान पढ़ा है, कुत्ते ने थोड़ा मनोविज्ञान पढ़ा है, मान लिया काट ही ले, कोई भरोसा नहीं। तो ध्यान पूर्वक बैठना और एकदम कंसंट्रेशन लगाए रखना, बारीकी के साथ देखो। राम राज की स्थापना में योगदान किसका होगा, कहा हर नागरिक का होगा, कहा और कहा पूरे आप समझो अयोध्या परिवार का होगा, कहा और कहा त्याग की पराकाष्ठाएं मिल करके ही राम राज की बुनियाद भरती है। गजब का त्याग राम का, सिंहासन त्याग करके चल दिए जंगल, लेकिन सोचो तो गजब का त्याग लक्ष्मण का,
कि पीछे पीछे चल दिए और गजब का त्याग भरत का कि सत्ता को ठोकर मार दिया और गजब का त्याग शत्रुघ्न का क्योंकि 14 किलोमीटर दूर रह करके सत्ता से विरक्त बने रहना आसान है लेकिन महल में रह करके सत्ता से विरक्त होना बहुत मुश्किल है। शत्रुघ्न महल के भीतर रह करके सत्ता के लोभ से बरी था। सोचो आप ईमानदारी के साथ कितना गजब का त्याग। कुछ पात्रों का इतना विशेष योगदान रहा है, सबकी बात नहीं की जा सकती, 2-3 चुनता हूं और बात करेंगे, महत्ता सबकी है। लेकिन भरत जैसा हो आप समझो पॉलिटिकल साइंस का समझदार और शबरी जैसी इंटेलिजेंसिया, केवट और जटायु जैसा नागरिक और हनुमान जैसा मैसेंजर, तब आता है राम राज। जब राम जैसा महानायक इन लोगों का समुचित प्रयोग करता है राम राज्य की। बारीकी के साथ देखना, खास बात बताने जा रहा हूं। चित्रकूट में भरत जाते हैं अपने भाई से मिलने। सुनना, आपकी भी बात करूंगा, आपकी भी बात जरूर करूंगा, क्योंकि इनकी बात ना करो तो ये नाराज हो जाती है कि बाबा क्या बकबका रहे हैं, है ना। इसलिए इनका ये आधी आबादी है ना, इनकी बात मत करो तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है। और आप समझो, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर गृह मंत्रालय ठीक है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी चलेगी, और गृह मंत्रालय अगर गड़बड़ है, झगड़ा किए हो, घर पहुंचे दोस्त के साथ, जरा चाय बनाओ जी, कह देंगे चीनी नहीं है, अब मुंह बना के बैठ जाओ, हड़ताल बोल देंगी तो बहुत मुश्किल। इसीलिए कहा गया कि पत्नी से झगड़ा मत करो, कतई मत करो, आप ध्यान रखो, कभी भी मामला खराब कर देंगी। इनको आप खुश रखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। झगड़ा करिए तो नमकीन की तरह, जैसे खाने में नमक होता है उतना ही झगड़ा आपस में करना चाहिए, ज्यादा नहीं। मेरा एक दोस्त है, अपनी बीवी को बैठा करके मोटरसाइकिल पर लेके जा रहा था, तो उसकी बीवी बहुत मजाक किया, तो वो मतलब बहुत पहले की बात है, तो रास्ते में एक गधा खड़ा था, तो उसकी बीवी ने कहा, ए जी आपके रिश्तेदार खड़े हैं, नमस्कार नहीं करेंगे? तो तुरंत मोटरसाइकिल रोक दिया और रोक के बोला, अरे ससुर जी नमस्कार। आप समझो, तो हल्का फुल्का व्यंग तो चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि जिंदगी जहर बन जाए। तो आपकी बात भी करेंगे, ध्यान पूर्वक सुनते रहना। अभी थोड़ा सा खास बात है, और इस खास बात को समझने के लिए, क्योंकि इस पर आज तक जो बोला गया है, कम से कम मेरी दृष्टि वो नहीं है, मैंने इस प्रसंग को अलग दृष्टि से देखा। एक भाई जा रहा है मिलने अपने बड़े भाई से, क्योंकि सिंहासन का लोभ भाई को नहीं है, ये बात सच है, चलो ठीक है, लेकिन पूरी व्याख्या ये नहीं है। भरत नामक भक्त अपने भगवान से मिलने जा रहा है, चलो मान लिया, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि भक्त कभी भगवान से मिलने नहीं जाता। गोपियां क्यों नहीं गई कृष्ण से मिलने? उसको गरज होगी, वो आएगा। हमारे वहां की भाषा में गीत गाते हैं कि गोपियां रो रही हैं, याद कर रही हैं, लेकिन जाती नहीं है मिलने। जब से तू श्याम गईला मथुरा नगरिया हो, जो है ब्रजवासी तोरी रहिया, मुरली तोहार ना बजी, गौवे जो है बछड़े जो है माने खोजे, गौवे खोजे बछड़े खोजे, और ब्रज के बासी खोजे, खोजे राधा रानी तोरी रहिया, मुरली तोहार ना बजी। लेकिन गोपियां गई क्यों नहीं? उधो मन न भय 10-20, एक रहो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। कहां जाना है, मेरा मन तो लेके चला गया है। भक्त कभी भगवान से मिलने नहीं जाता। फिर भरत क्यों गए चित्रकूट? इदम नवीनम व्याख्यानम, इस पेज को समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा पॉलिटिकल साइंस और पूरी डिप्लोमेसी राम कथा के भीतर दर्ज है। अयोध्या में कांड होता है, दशरथ की मृत्यु होती है, राम का वनवास होता है, नजर हमारी केवल इतने पर रहती है, लेकिन भरत ने गद्दी लेने से इनकार क्यों किया? वशिष्ठ के समझाने पर भी इनकार क्यों किया? राम के समझाने पर भी इनकार क्यों किया?
और अंततः जब फैसला हुआ भी तब भी ये क्यों कहा, मैं नहीं बैठूंगा। पेंच है साहब, डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल पेंच है। क्या पेंच है? जनकपुर में अफवाह फैल गई। क्या अफवाह फैली? भारत अफवाहों का देश है। एक बार अफवाह फैली थी मोहनो चौवा, इधर भी फैली थी मोहनो चौवा, मुंह में नोच के भाग जाता था। कई लोग सवेरे सो के उठते थे तो साइकोलॉजिकली उनका मुंह ऊंचा हुआ रहता था। हाँ, खरोंच भी आ जाती थी। सोचो आप, एक से एक अफवाह हमारे देश में चलती रहती है। गजब गजब की अफवाह, कब कौन क्या बोल देगा, कोई भरोसा है? बाबा तुलसी ने कहा कि कलयुग का तो जमाना ऐसा होगा कि जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतना ही बड़ा चमत्कारी होगा। जो कहे झूठ सो बड़े आचारी, जितना झूठ बोलो उतना ही महान। कहा तो मैं साधना करता हूं तो धरती से तीन हाथ ऊपर चला जाता हूं। अरे महाराज, एक तो गए महात्मा जी अमेरिका अपने चेले के साथ और वहां जाकर के बोला, सुनो मेरी उम्र 500 साल है। तो उन सबों को टेंशन हो गई 500 साल। तो कहा कि बाबा दबंग लग रहे हैं, कैसे पूछा जाए? तो कहा उसके चेले से पूछो, चेले से। तो चेले को बुलाया, सुनो आया। हाँ बोलिए। कहा तुम्हारे गुरु की उम्र 500 साल है? कहा पता नहीं, मुझको नहीं मालूम है, मैं तो केवल 300 साल से इनके साथ रह रहा हूं। तो उन सबों ने कहा जब चलवा ही 300 साल का है तो जरूर गुरु 500 साल का होगा। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ ही भोज। ध्यान रखना, पुराणों में जो आयु विमर्श है उसका सिंबालिक अर्थ होता है, वरना प्रमाण जो वेदों का है साफ कहा गया है, जी वेद सर्दह सतम सतायुर्वय पुरुषः। वेदों का वचन है, खाए वो अलग मुद्दा है। बारीकी के साथ सुनना, दशरथ की मौत होती है, विषय कठिन है, इसलिए आपकी तवज्जो चाहूंगा, कंसंट्रेशन भंग न करना। अफवाह फैलती है कहां? जनकपुर में, मिथिला में अफवाह फैल जाती है मिथिलांचल में। क्या? कि भरत और कैकेयी ने मिलकर के अयोध्या का तख्ता पलट दिया है, दशरथ को जहर देकर के मार दिया गया है और बड़े साहब को जंगल भेज दिया गया है, हमारी बेटी भी निकल गई है। और इतना सुनना था कि जनकपुर के सारे निवासी पागल हो गए, पागल। हाँ, ऐसा हुआ? कहा हो चुका है, सबूत चौपाई पकड़ो। कोसल पैति गति सुनी जन कौरा, अभय सब लोग शोक बस बऊरा, वो भय सब लोग। तीन पात्रों का विवरण दूंगा। पहला भरत, सब लोग बौरा गए। जनक की रानी ने धीरे बख्तर पहन लिया, चतुरंग की सेना तैयार करो, भरत को मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और जब हमले के लिए तैयारी चल रही थी, जनक ने रोका, सुनो रानी। का क्या? का जासूस भेज करके पहले वस्तु स्थिति का सही सही पता करवा लो, क्या पता कि अफवाह हो। का फिर भेजिए इंटेलिजेंसिया को। तो तिरहुत सीक्रेट सर्विस के एजेंट भेजे गए, कितने? चार। नृपति धीर धरी हृदय विचारी, अपठये अवैध चतुर चरचारी, पठये अवैध। ध्यान से सुनना, क्योंकि क्या बोल रहा हूं, द डिप्लोमेटिक मेथड एंड प्लानिंग इन द पीरियड ऑफ राम कथा। और थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग होगा तो मतलब आप समझो भाषा आधुनिक है, बात निकल जाएगी ऊपर से। पठये अवध चतुर चरचारी, चार जासूस भेजे गए, जासूस तैयार। बोलिए सर। का एक काम करो, भरत का पीछा करो। का पीछा कैसे करना है? का उसको पता ना चले। का फिर कुछ कर देना है? का विशेष अवस्था आ जाए तो कुछ कर देना, वरना केवल देख करके चले आना। देखी भरत सती भाव कुभाऊ, आय हूं बेगी
न हो ही लखाऊ आय हूं बेगी। जा करके जासूसी करो। तिरहुते इंटेलिजेंस या सर्विस के चार कुशल जासूसों को भेजा गया। दो जाकर के भीड़ में खो गए और दो ने सीधा सीधा पीछा करना शुरू किया। उधर मास्टरमाइंड वशिष्ठ, उन्होंने अयोध्या के इंटेलिजेंसिया सर्विस के जासूसों को लगा रखा था कि जरूर तिरहुत से जासूस आए होंगे, तुम भी वाच करना। और उन सबों ने किया और दो जासूसों के पीछे लग गए। चलो वशिष्ठ मुनि बुला रहे हैं ना। जनक दूत तेही अवसर आए, असुनि वशिष्ठ मुनि बेगी बुलाए। सुनि वशिष्ठ बेगी, इससे पहले कोई अनर्थ हो जाए उनको लेकर के आओ, कवर कर लेना। लेकर के आए और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से वशिष्ठ का बात करने का अंदाज देखो। बात के लहजे से माहौल को शांत कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके। और ऋषि पूछ रहा है इंटेलिजेंसिया से, कहो जनक जी, कुशल से तो है ना, मेरे दिल में तुम्हारा बहुत आदर है। सादर मुनि बर पूछी बाता, कहूं विदेह भूप कुशलाता, कहूं विदेह। जनक जी कैसे, कुशल से तो है। जासूसों का जवाब सुनो आप, कहा कि आपने इतने प्यार से कुशल पूछ लिया, यही कुशल का कारण बन गया। कहा नहीं तो कांड हो गया होता। सादर पूछिए राउर साई, अकुशल हे तू यो भयउ गोसाई। सादर, आपने कुशल से कुशल पूछ लिया, ये कुशल हो गया, वरना ना ही तो कौशल नाथ के साथ कुशल गई नाथ। कुशल तो उसी दिन विदा हो गई जिस दिन दशरथ की मौत हुई। का शांत हो जाओ, सुनो बात को, सुनो अब ध्यान से सुनना। आग्रह क्या है, भरत राजा बने और भरत देख रहे हैं कि अगर भरत राजा बनते तो उत्तर भारत, पूर्वी भारत, नेपाल, मिथिलांचल सब इस अफवाह के चलते भरत से नाराज था। और मध्य भारत में निषाद राजगुह का भी ख्याल भरत के बारे में बहुत अच्छा नहीं था। चौपाई, जब पता चला भरत आ रहे हैं, निषाद क्या बोलता है, सन मुख लो भरत सन लई हो, अजियतन सूर सरी उतरन दई हो। सन मुख लो, मध्य भारत नाराज, और दक्षिण भारत में रावण का प्रभाव। भरत ने देखा कि अगर मैं गद्दी पर बैठ गया तो गद्दी पर बैठते ही देश तीन हिस्सों में टूट जाएगा। जिस देश को बचाने के लिए भाई साहब वनवासी बन गए, बाहर निकलने के बाद वही देश पीछे टूट जाए, मतलब क्या निकलता है, ध्यान से सुनना। इसीलिए भरत ने कहा, और ये व्याख्या पता नहीं क्यों छुपाई जाती है, जब भरत से जिद किया वशिष्ठ महाराज ने कि गद्दी पर तुमको बैठना होगा, ये मेरा आदेश है। और तब भरत ने गजब की बात कहा है। कविता को व्यंजना से समझा जाता है। कहा, गुरुदेव अगर आपने मुझको जबरदस्ती गद्दी पर बैठा दिया तो देश धस जाएगा, धरती धस जाएगी, कांड हो जाएगा। मोहिराज हठ दई हूं जब ही, अरसा रसा तल जई है तब ही, रसा रसात। जबरदस्ती राज दोगे, विखंडन हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखो। हमको पॉलिटिकल समझ है। राम को लगा बात तो ठीक। ब्रिटिश क्राउन सिस्टम भारत में भी कई बार था, सल्तनत काल में, खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म बहादुर शाह का। कहा कि सिंहासन पर भरत नहीं बैठेगा, राम ही बैठेंगे। कहा कैसे, का सिंबोलिज्म, प्रतीकात्मक रूप से खड़ाऊ रहेगा सिंहासन पर,
और भरत प्रधानमंत्री बनकर के 14 किलोमीटर की दूरी से सारी चीजों की देखभाल करेंगे ताकि जनता में विद्रोह ना हो। और इसीलिए राम स्पष्ट कहते हैं कि सुनो विभाग ले लो तुम। का कौन कौन सा विभाग? का भरत, देश कोष परिजन परिवारू गुरुपद लय गए गुरुपद रह जय ही लाग छर भारू। देश कोष परिजन परिवारू तुम देखो और फॉरेन पॉलिसी मैं देखता हूं। सत्ता पर रहेगा हमारा खड़ाऊ, ध्यान रखना ये गजब का वहां पर चित्रकूट में समझौता होता है। जनक भी वहां आते हैं, उनके दूत भी वहां आते हैं, मध्य भारत भी निषाद राज के रूप में वहां पर है, वशिष्ठ भी वहां मौजूद हैं, राम भी वहां मौजूद हैं, प्लानिंग बनती है। अयोध्या की हिफाजत कैसे हो, देश की हिफाजत कैसे हो, तय होता है कि भरत गद्दी पर नहीं बैठेंगे, किनारे रहेंगे। और क्या गजब का गृह मंत्रालय संभाला है भरत ने, वाल्मीकि रामायण पढ़ना। राम जब लौट करके आते हैं तो भरत को जितना सौंप करके गए थे भरत उसके 10 गुना वापस करते हैं। ये देखिए भैया, ये देखिए, ये का टैक्स लगाया होगा, का ना बिना टैक्स के, का वैट लगाया होगा, 30 रुपए का सामान उसमें 70 रुपया लगा दिया होगा टैक्स, का ना बिना टैक्सेशन के इतना सब किया है, का टैक्स कहां लगाए हो, का टैक्स आपके सिद्धांतों के अनुरूप ऐसी चीजों पर लगाया है जो केवल धनिकों के लिए है। मगी मालिक महंगे किए असस्ते त्रिन जल नाज अतुलसी साहिब जानिए राम गरीब नवाज। ये मगी उगली जो होता है उसको मैंने थोड़ा सा वो किया है जो लग्जरी चीजें हैं, लेकिन जो अनाज है पानी है, है? दाना पानी अनाज सरसों का तेल खाड़ी पी वाला सस्ते त्रिन जल नाज बार राम बार भरत लौटाया है गजब का 10 गुना। और राम की फॉरेन पॉलिसी उन्होंने कैसे संभाला? अयोध्या से एक बंदे को लेकर के नहीं गए और दुनिया की सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दिया, सबसे बड़ी फौज खड़ी कर दिया कि गिनने वाले फेल हो गए। फौज किसकी थी? बंदरों की। राम से पूछा इतना भर्ती क्यों कर लिया? कहा जब तनख्वाह नहीं देना है तो क्या जितना भर्ती करो, जब तनख्वाह ही नहीं देना है। तीन बुनियादी चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान। बंदर को रोटी चाहिए नहीं, जहां बैठ गया वहीं रोटी मिल जाएगी, कपड़ा दूसरे का फाड़ दो, मकान जहां बैठ जाए वहीं उसका घर है। तो जब कुछ देना ही नहीं है तो वैकेंसी निकालने में क्या दिक्कत है? और दुनिया में कुछ काम बहुत कठिन है, बंदरों को गिनना, मेढकों को तौलना। मेढकों को तौलोगे जब तक कांटा मिलाओगे 3 तो कूद जाएंगे। मेढकों को तौलना और बंदरों को गिनना, जब तक गिनोगे 1 2 3 तब तक 3 बानर फ्री इधर से आके इधर बैठ जाएंगे। अब एक ही बानर को जब 50 बार गिनोगे तो अतिशयोक्ति अलंकार तो पैदा हो गई। लंकाई इंटेलिजेंसिया सर्विस के जासूसों को रावण ने भेज के कहा और माल्यवान जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, पता करवाओ सेना कितनी है। गिनने वाले आए और मर्दुमशुमारी किया और गिनने के बाद एक ही बंदर को 50-50 बार गिना। नतीजा हुआ कि संख्या इतनी ज्यादा पहुंच गई कि मामला असंभव था। कहा कितना है जी? तो माल्यवान ने कहा कि गिन तो नहीं पाए कन्फर्मली। असमय श्रवण सुना 10 कंधर अपदुम 18 जूथप बंदर पदुम 18 पदुम तो केवल कमांडर इन चीफ हैं। ध्यान रखना इतिहास में कई लड़ाइयां इस तरह से जीती भी गई हैं। एक मैंने भगवत स्वयं उपाध्याय की किताब में पढ़ा था या कहां पर कि एक राजा के पास केवल 3,000 सेना थी और एक 40,000 की सेना लेकर के दूसरा हमला कर दिया। और मान लो ये विधुना है तो यहां से 2 किलोमीटर दूरी पर कैंप डाल दिया,
विपक्षी राजा ने, और इस राजा को खबर मिली कितने सैनिक है, कहा 40,000, कहा अपने पास कितने है, कहा केवल 3,000, कहा तब तो गए सरेंडर बोल दूं। मंत्री ने कहा नहीं, कोशिश किया जाएगा। कहा क्या कोशिश करोगे हैं, 40,000 से 3,000 कैसे भिगेंगे? तो कहा भिगने की बात कौन कर रहा है, कोशिश किया जाएगा तो करो कोशिश। तो ये हुआ युद्ध, कब होगा तो संदेशा भिजवा दिया, कल शाम को युद्ध होगा आपसे। और आज रात को क्या किया, खूब शरबत बनवाया, शरबत, और उसी में खूब डलवा दिया जुलाब, पेट खराब करने वाला जुलाब, सारे सैनिकों को पिला दिया गया। अब वो सवेरे 4 बजे से उधर अपना जासूस लगवाया था सेना को, गिनो, और इधर ले ले लोटा सारे सैनिक, जाएं आए जाएं आए जाएं आए, लगातार एक सैनिक 50-50 बार, और सब गिने तो 40,000 से ऊपर हो गया। शाम तक तांता नहीं टूटा। तो जब पहुंचे जासूस तो राजा ने पूछा कितनी सेना है उसकी, कहा अरे सेना छोड़िए, 50,000 तो हमारे सामने लैटिन करने आए थे, उसके बाद कौन गिने। उलट गया वहां से, आप समझो, कहा चलो बाद में तैयारी करके 1.5 लाख सेना लेकर के आएंगे, तब हमला बोलेंगे, ध्यानपूर्वक देखना आप। इतनी सेना राम ने खड़ी कर दिया कि मनोवैज्ञानिक धरातल पर सबसे पहले रावण संख्या से पराभूत हुआ। रावण को मनोवैज्ञानिक मार बहुत मारा है लोगों ने, राम ने, अंगद ने, जब रावण ने कहा कि तुम्हारी तरफ तो कोई दिखता नहीं, एक वही था जो बहुत बहादुर लग रहा था जो लंका जला गया, कहा वो बहादुर तुमको दिख रहा था, वो तो डर के मारे भागा हुआ है, वो हमारे पक्ष का सबसे कमजोर बंदर है। अभी जानबूझ करके बोला अंगद कि जिसको ये सबसे बहादुर समझ रहा है, इसको मैं सबसे कमजोर कह दूं तो सनक जाएगा, और रावण सनक गया कि जब सबसे कमजोर की यह हालत है कि डर के मारे छिपा हुआ है, जब एक से एक जूथप आएंगे तो क्या हालत करेंगे। ध्यान रखना और बारीकी के साथ देखना आप, गिन नहीं पाया, इंटेलिजेंसिया फेल कर गई। कथा कौन सुना रहा है, किसको? पार्वती को शंकर सुना रहे हैं। शंकर, शंकर कहते हैं पार्वती मैं जानता हूं सेना कितनी है, जानते हो बताओ। का नहीं, मूर्खता हो जाएगी। का क्यों? का मामला डिफेंस मिनिस्ट्री का है, खुफिया मामला है, तुमको नहीं बताऊंगा। बानर का अटैक उमा मैं देखा, असोई मूरख जो कर चले खा, वो बानर का अटैक। बाहर की लड़ाइयां आप तभी लड़ सकते हैं जब भीतर आपको मजबूती प्राप्त हो। राम बाहर रावण से लड़ सके क्योंकि भरत ने देश की अंदरूनी पॉलिटिकल सिचुएशन को समझा और फैसला किया कि देश को किसी कीमत पर टूटने नहीं दूंगा। इसलिए चित्रकूट का मिलन असल में डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल, आप समझो, एक समझ का द्योतक है। भरत जैसा भाई नहीं मिलेगा, इसमें कहां दो राय है। भगत जैसा भक्त नहीं मिलेगा, इसमें कहां दो राय है। लेकिन केवल इन्हीं टूल्स से घटनाओं की व्याख्या नहीं हो पाएगी। तो भरत जैसा आप समझो समझदार, और दूसरा सेबरी जैसी इंटेलिजेंसिया। सेबरी के किरदार पर बहुत बोला नहीं गया, उसको ऐसे ही दिखा दिया गया कि प्रतीक्षा कर रही थी और बहुत 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 भक्ति का मामला था, भक्ति तो है, और आहा हो गया। लेकिन ध्यान देंगे कि प्रैक्टिकल अगर कोई पात्र है राम कथा में तो वो कौन है? सेबरी। सब लोगों से राम पूछ रहे हैं मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं, आफत आ गई है मुझ पर। तो एक ऋषि कह रहा है आप कहां नहीं हैं, ये कोई उत्तर है? पढ़िएगा, मैं कहां जाऊं, कहा आप कहां नहीं है, मैं कहां रहूं, तो कोई कह रहा है मेरे दिल में रहिए, मैं आऊं विधुना में किराया पर कमरा ढूंढने और आपसे पूछूं कहां रहूं, तो आप कहिए हमारे दिल में रहिए। कैसे रहूंगा दिल में, प्रैक्टिकल उत्तर दो। कोई नहीं बताने वाला है कि मैं कहां जाऊं, आप कहां नहीं है। मान लिया आपकी मोटरसाइकिल में हवा खत्म हो गई और आपने किसी से पूछा कि भाई साहब हवा कहां मिलेगी, कोई कह दे सब हवा हवा है ले लो, कहा हवा है,
ले लो हवा। तो आप क्या कहेंगे कि अरे बेवकूफ, ये हवा उसमें थोड़े जाएगी, कहीं ऐसी मशीन होगी जो हवा को कॉन्सेंट्रेट करके उड़ालेगी, उसमें तब जाएगी। लेकिन बिल्कुल मतलब गैर व्यवहारिक उत्तर है, प्रभु आप कहां नहीं हैं, ऐसे लोगों के कानों में बसिए, ऐसे लोगों की आंखों में बसिए। राम को कोई सार्थक उत्तर नहीं दे रहा है। सार्थक उत्तर किसने दिया? सारे सिचुएशन पर निगाह लगाए हुए सेबरी सारी घटनाओं की रीडिंग करती है इंटेलिजेंसिया की तरह, इंटेलेक्चुअल की तरह। और राम ज्यों पूछते हैं कहां जाऊं, का सुनो राम, पंपा सह रहे हूं जाहू रघुराई। सिचुएशन की पकड़ देखिए, पंपा सह रहे हूं जाहू रघुराई, अतः होई है सुगरीव मिताई। तुम्हारी ही परिस्थितियों से गुजरने वाला एक बंदा वहां रह रहा है, पत्नी पर हमला आपके हुआ है, अपहरण हुआ है, उसकी भी पत्नी छीन ली गई है, वो भी दर बदर है अपने घर से, और आप भी दर बदर है, और सिचुएशन जब एक होती है तभी दोस्ती होती है। तो जाइए पूरी सिचुएशन की रीडिंग और उसका पूरा रजिस्टर रख दिया सबरी ने सामने। तो सबरी को केवल भक्ति के चश्मे से मत देखिए, भारत की इंटेलिजेंसिया सर्विस की पहली लेडी के रूप में देखिए, पूरी सिचुएशन पर निगाह रखे हैं। और राम को साफ साफ बताती है, जाइए वहां आपकी दोस्ती सुग्रीव से पक्की होगी, क्योंकि उसको जरूरत है। यह है प्रैक्टिकल होना। और सेबरी, मैंने एक बार हल्का व्याख्यान यहां पर किया था सेबरी के बारे में, सेबरी इसीलिए महान है कि वो चीजों को अलग नजरिए से देखती है। ध्यान रखना उसकी कहानी को आप पढ़ना, बहुत अच्छी जिस्ट उसमें से निकलेगी। कहानी है कि उसकी शादी तय कर दी गई, किससे, बहेलिए से। और जब बहेलिए से तय की गई तो बेटी ने बाप से पूछा, सेबरी ने, मेरी शादी किससे हो रही है? कहा बहेलिए से, पक्षियों को मार करके बिजनेस करता है। कहा मैं उस खूनी के साथ जाऊंगी? उसने कहा मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तय करूंगा। कहा जीवन मेरा है, मैं हत्यारे के साथ जीऊंगी? कहा समझती क्यों नहीं, जो मैं कहूंगा वो होगा। ध्यान रखना हर सिद्धांत हमेशा फायदेमंद नहीं होता है। लिखा गया है कि अनुचित उचित विचार कर जे पाले पितु बैन, तो ये तो लिखा ही हुआ है, लेकिन यह भी लिखा है कि जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जद्यप परम स्नेही पिता तजउ प्रहलाद। भरत महतारी कसाई के हाथों में बेच देंगे बेटी को, केवल इस नाम पर कमाता बहुत है, तुमको क्या मतलब है? अब तो लोग समझाते हैं, बेटी उसकी तनख्वाह है 80,000 महीना, और तनख्वाह तो पड़ी रह जाती है, उसका सारा काम तो ऊपर से 1.5 लाख रुपया महीना उसके पास आ जाता है। अपराध का महिमा मंडन कर रहे हो। अगर कमजोर बेटी होगी तो खुश होगी, संस्कारवान और मजबूत बेटी होगी तो कह देगी कि हराम का पैसा कमाने वाले के वहां मैं नहीं जाऊंगी। अगर कोई 50,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी किसी महीने में अगर 70,000 रुपए की साड़ी लेकर के आता है, खुशी खुशी उस साड़ी को रख लेने के बजाय अगर पत्नी ने पूछ दिया कि सही सही मेरी कसम खा के बताओ कि ये तुम्हारी साड़ी जो मेरे लिए लाए हो हराम के पैसे की तो नहीं है, जिस दिन पत्नियों ने पूछना शुरू कर दिया आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात का, ब्याह तय कर दिया बहेलिया के साथ, कहा मैं नहीं जाऊंगा, कहा ये धर्म का उल्लंघन है। कई लोग फर्जी चीजों को धर्म कहने लगते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं बात माननी पर, कहा आप जो कर रहे हैं वो धर्म का उल्लंघन है। और रात को 1 बजे सबरी निकल गई, और निकल गई तो रास्ते में ठोकर लग गई, गिर गई, और गिर गई तो सर टकराया, फट गया, सर से खून निकला, अर्ध बेहोशी में चली गई। जहां गिरी थी वहां मतंग ऋषि का आश्रम था, दीवाल के उस पार छप्पर की दीवाल थी, उसके पार चेले बैठे थे,
गुरु उपदेश दे रहा था। रात का टाइम, यही जग जामिन जागई जोगी। शिष्यों ने पूछा, गुरुदेव उसको पाता कौन है? जो जाति का ऊंचा होता है, कहा नहीं। संप्रदाय का ऊंचा होता है, कहा नहीं। जो कर्मकांडिक प्रक्रम में बहुत ऊंचाई ले लेता है, कहा नहीं। कहा उसको पाने की अर्हता क्या है, योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? कहा उसको पाने की केवल एक योग्यता है। कहा क्या? और आवाज शिवरी के कान में जा रही है, निर्मल मन जन सो मोही पावा, अमोही कपट छल छेद्र न भावा, मोही कपट छल। निर्मल मंजन सो मोही पावा, और शबरी निर्मल हो गई। नतीजा, राम शबरी से जा करके मिलते हैं। सोचो आप, भक्ति के माध्यम से भक्त भगवान से जाकर के मिलता है, तपस्या के माध्यम से तपस्वी भगवान से जाकर के मिलता है, जप के माध्यम से जापक भगवान से जाकर के मिलता है, योग के माध्यम से योगी भगवान से जाकर के मिलता है, लेकिन इधर भगवान खुद आकर के शबरी से मिलता है। कारण क्या है? शबरी की जिंदगी को पढ़ना, कम से कम मुझे नहीं मिला कि वो घंटों बैठ करके कोई प्रक्रम अंजाम देती हो। मुझे नहीं मिला कि कितने घंटे उसने दांत दाबे और कितना अनुलोम विलोम किया। एक चीज मिली, मतंग ऋषि के आश्रम के बच्चे सवेरे 4 बजे गंगा का पानी लाने के लिए जब जाते थे तो 3:30 बजे उठ करके शबरी रास्ते में झाड़ू लगा देती थी कि बच्चों के पांव में छाले न पड़े, कहीं कांटे न चुभे। रास्ता रोज साफ मिलता था, किसी को पता नहीं चलता था किसने बुहारा। बाद में राम से किसी ने पूछा, राम ज्ञान के माध्यम से ज्ञानी आप में जाकर के मिलता है, अध्यात्म के माध्यम से आध्यात्मिक क्रियाओं के माध्यम से आध्यात्मिक व्यक्ति आपसे जाकर के मिलता है, जप के माध्यम से जापक आपसे जाकर के मिलता है, साधना के माध्यम से साधक आपसे जाकर मिलता है, योग के माध्यम से योगी अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा समाधि अष्टावंगान के माध्यम से तुमसे जाकर के मिलता है, और तुम से बड़ी से जाकर के मिलते हो। क्यों? कहा इसलिए कि ध्यान पूर्वक सुन लेना, जो जप करता है वो मुझसे आकर के मिलता है, साधना करने वाला मुझसे आकर के मिलता है, ज्ञान के प्रक्रम वाला मुझसे आकर के मिलता है, योग करने वाला मुझसे आकर के मिलता है, मगर जो शबरी की तरह समाज के रास्ते के कांटे को साफ करता है, राम उससे जाकर के मिलता है, राम उससे जाकर के मिलता है। ध्यान रखना, शबरी जैसी जागरूक महिला नागरिक, जो घटनाओं पर तुम अपडेट नहीं रहती हो, तुमको अखबार पढ़ना चाहिए, तुमको समाज में क्या क्या हो रहा है इस पर नजर रखनी चाहिए। नजर रखोगी तो अपने बेटे को, आने वाली पीढ़ी को निर्देश दे सकोगी, बता सकोगी, समझा सकोगी। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हमारी तो जिंदगी चार दीवारी के अंदर है, क्या मतलब है दुनिया में क्या हो रहा है। अपडेट रहा करो, ध्यान रखना। ये तबका अगर सो गया तो समाज का नुकसान होगा, विनाश नहीं होगा। तुम अगर सो गए, बहुत मुश्किल हो जाएगी। सोने का मतलब मोह निशा सब सो निहारा। ये सो गए चलेगा, मात्र सत्ता अगर जागृत है तो आगे आने वाली पीढ़ियों से उम्मीद की जा सकती है। मगर अगर तुम सो गई, अभिमन्यु जब घेर करके मार दिया गया चक्रव्यूह में फंसा करके, अर्जुन पागल हो गया, किसने मारा मेरे बेटे को, किसने मारा? कोई कह रहा जयद्रथ ने मारा है, कोई कह रहा कर्ण ने मारा, कोई बोला फलां ने मारा, कोई कहा डेका ने मारा। कहा पूछ क्यों रहे हो अर्जुन? कहा कैसा हो, नाम बता करके देखो। सेकेंडों के भीतर उसकी गर्दन जमीन पर गिरी होगी। कहा काट लोगे गर्दन? काट लूंगा। बताओ किसने मारा मेरे बेटे को? कहा तुम्हारे बेटे को तुम्हारे बेटे की मां ने मारा। कहा मतलब? कहा याद कर बिस्तर की बात को, जब अभिमन्यु गर्भ के भीतर था और चक्रव्यूह भेदन की कला के बारे में तू बात कर रहा था। गर्भाधानम संस्कारम भारतीय संस्कृति मानती है, बच्चा पेट के भीतर से सीखना शुरू कर देता है। 6 दरवाजे के चर्चा तक वो जगी रही, 7वें की बात आई तब तक सो चुकी थी। बच्चे ने 6 चीजों को अपने भीतर ऑब्जर्व किया, 7वां मेथड नहीं कर पाया। नतीजा आज सामने है। कहा केशव करूं क्या? करना कुछ नहीं, हर घटना एक सबक है, किया जाएगा।
बदला लिया जाएगा, लेकिन कम से कम इस घटना के माध्यम से दुनिया की माताओं के नाम संदेश भेजो कि अगर ये तबका कहीं सो गया तो देश का नुकसान होगा, खात्मा नहीं होगा, मगर अगर कहीं तुम खो गई और तुम अगर सो गई तो आने वाली पीढ़ी अपने जिंदगी के चक्रव्यूह के 6 फाटक भले पार कर ले, 7वें पर धाराशाही हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा जागना बेहद जरूरी है। यही जग जामिनी जागई जोगी अपरमा रहती प्रपंच वियोगी सेबरी जैसी नागा सेबरी जटायु कभी चर्चा की जाएगी, बड़ा लंबा व्याख्यान हो जाएगा। जटायु सोचो आप, जटायु जैसे लोग अगर समाज में रहें तो बेटियां निर्द्वंद आप समझो। कुछ बातें मेरी आपको उल्टी लगेंगी, इतनी उल्टी लगेंगी क्योंकि इसके उल्टा ही बोला गया है, तो हमारी सीधी बात आपको उल्टी लगेगी। जैसे आपको सीधी बात क्या लगती है, आपको सीधी बात ये लगती है ए कितना भी जरूरी काम हो ए लड़की, शाम को 6-7 बजे के बाद 8 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, तो यही आपको बताया गया तो सीधी बात लगेगी। हम लोग भी समझाते हैं नहीं निकलना चाहिए, तो जब मर्द इस बात को बोलता है तो अपने कैरेक्टर को ही डिफाइन कर रहा होता है, समाज में नहीं निकलना चाहिए मतलब क्यों, क्योंकि हम कुत्ते हैं काट लेंगे। हद है भाई, आप ऐसा समाज बना रखे हो, हम बोलेंगे तो उल्टा लगेगा। हमारा समाज उस दिन बेहतर बनेगा कि अगर फफूद स्टेशन पर बेटी को जाना है दिल्ली ट्रेन पकड़ने के लिए तो रात के 1 बजे ही भी निर्बंध होकर निकल सके, और उसे पक्का पता हो कि समाज में जितने लोग हैं वो सब हमारे भाई और चाचा की तरह हैं, तब समाज जिंदा माना जाएगा। लेकिन हमारी बात उल्टी लगती है, शाम के 6 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए। शाम के 6 बजे के बाद गुंडों का निकलना बंद करो, बदतमीजों का निकलना बंद करो। लड़कियों ने कौन सा दंगा किया है, कौन सा फसाद किया है? लड़कियां जब निकलती हैं आप देखना, मैं तो कुछ दृश्यों को छुप छुप के देखता हूं, आप भी देखना आपको अच्छा लगेगा। जब सुबह सुबह किसी विद्यालय के लिए बेटियां साइकिलों पर तैयार होकर के अपने स्कूल ड्रेस में आप समझो जब निकलती हैं, एक पूरा समूह निकलता है इनका, तो आप धीरे से देखना लगता है कि हाँ पूरा हिंदुस्तान तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, बेटियां निकली हैं, ऐसा लगता है कि आसमान झुक करके सलाम कर रहा है, बेटियां निकली हैं। मेरी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, 48 साल है, राहुल गांधी से हिसाब लगाऊं तो अभी जवान हूं, यहां तो 70 साल में युवा नेता बोला जाता है ना, सोचो आप। लेकिन मेरे बचपन की बात है, मेरे समय की बात है, मेरे इंटरमीडिएट में होने के समय की बात है, मेरे क्लास में 80 लड़के थे, 15-20 लड़कियां थी, और आज जाके देखो आज इनका प्रतिशत बढ़ा है और जबरदस्त, और परीक्षा में भी टॉप करती हैं, खानदान का नाम रोशन करती हैं। यकीन मानो ये आंगन की तितलियां हैं, इनके परों को कतरो मत, इनको परवाज करने दो, पंखों को मजबूत करो, परिणाम ये लेकर के आएंगी। और ध्यान रखना बहुत सी बातें हैं, मैं तो कहता हूं घर पर चेक कर लेना, एक दिन बीमार बनकर के नकली खांसी खांसना बेटे को क्रिकेट खेलने जाना है ना वो निकल जाएगा, अब बेटी भाग के आएगी पापा दवा नहीं लिए क्या? वो जितना अपना फर्ज निभाती हैं, वो जितना केयरिंग आपके प्रति होती हैं, वो नेचुरल मदर है। इसीलिए आप देखो कि नर्सों को सिस्टर कहा जाता है, नर्सों को सिस्टर कहा जाता है, और नर्सों में जो वरिष्ठता को प्राप्त हो जाती है उनको मदर कहा जाता है, मदर टेरेसा। उनके भीतर एक माँ, एक या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, उनके भीतर एक माँ इनबिल्ट है, वो जितना केयरिंग होती है उतना केयरिंग पुरुष नहीं हो सकता है। इसीलिए भगवान ने भी बच्चों के ख्याल करने का दारोमदार इनको सौंपा, आपका ही बेटा आपके गोद में पेशाब कर दे तो आप भिनक जाएंगे,
माँ के गोद में रोज पेशाब करता है, ये नहीं बिदकती है, ये जब सजा देती है, छोटा बच्चा है ना तो सजा देंगी, संवार देंगी, खूब बढ़िया पाउडर लगा देंगी, बाल पीछे करके बांध देंगी, लड़का एकदम गुलाबी गुलाबी, उसके गाल एकदम और सुंदर लग रहा है सुरखरू, तब बाप उसको खिलाएगा उठा के, बाबू ये फूल यो यो। और उसी समय अगर वो पेशाब कर दे तो ऐसे टांगेगा जैसे कुत्ते का पिल्ला हो, अरे यार खराब कर दिया, और औरैया जा रहा था मैं, पूरा ड्रेस खराब कर दिया, मारूंगा दो घूसा तुमको। तो माँ भाग कर कहेगी दीजिए हमको डांट रहे हैं, वो बाथरूम ले जा तो करेगा नहीं, वो कहीं डांट रहे हैं। केयरिंग पर्सनालिटी होती है इनकी, ईमान पूर्वक देखो आप, इसीलिए मैं कहता हूं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जटायु एक फादर फिगर है, फादर फिगर, आपका फिगर ऐसा होना चाहिए कि कोई लड़की आपको देखे तो उसके अंदर पितृभाव, पितृभाव, काश आप मेरे पापा होते ऐसा भाव आए, साहब वो आभा मंडल बनाना पड़ता है, वो औरा बनाना पड़ता है। सोचो तो रावण लेकर के जा रहा है और सब देखते रहे, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, देवता भी देख रहे थे, कोई नहीं आया, लेकिन जटायु क्या बोल करके आया, सीते पुत्री करौ जनी त्रासा अकरिहौं जातु धन करना साब करिहौं जातु। सीते पुत्री, ए बेटी, ऐसे कहा, ए बेटी सीता घबराओ मत, जब तक बदन में खून का एक कतरा बाकी है अपनी आंखों के सामने तुम्हारी अस्मत को कुछ नहीं होने दूंगा। और आप जानते हो उसने अपने आप पूरा 100% एफर्ट लगाया, धोखे से पंख काट लिया गया, लेकिन टकराने में कोई कहीं कमी नहीं थी। सोचो तो आप, अगर हम इस तरीके से सामाजिक मूल्यों में वर्धन के लिए अराजक तत्वों से टकराएं, हो सकता है हमारे हिस्से में मौत नसीब हो, लेकिन वो मौत की से ज्यादा बेहतर होगी। ध्यान रखना, समाज के रास्ते में उठी हुई हमारी अर्थियां किसी के बारातों से ज्यादा बेहतर होगी। कुर्बानियां तो देकर के देखो, और सच में कुछ ही कुर्बानियां तब्दीली पैदा करना शुरू कर देती हैं। बेटियों के लिए जिंदगी आसान नहीं है, वो कह नहीं पाती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, वो आपसे साझा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनके अपने संकट हैं। माँ भी उल्टा समझा देती है, माँ से आग कहेंगी अम्मा रास्ते में फला जगह ऐसे एक ऐसे गुंडा ऐसे बोला और ऐसे किया, तो माँ कहेंगी जाने दो, कोशिश कहना मत, जाने दो, जाने दो, उल्टे बदनामी होगी, जाने दो। अरे डट के निकला करो, अब मार्केट में तमाम प्रकार के संसाधन आ गए हैं बेटों, पर्स रखा करो, उसके अंदर स्प्रे रखा करो, मन करे तो सब्जी काटने वाला चाकू रख लिया करो, मगर टकराना सीखो। अगर तुम्हारी अस्मत पर कोई हाथ डालने की कोशिश करता है, अगर अपनी सीमा रेखा को पार करके आपकी अस्मिता को छूता है, झोंक दो मर्चा और डाल दो चाकू उसके पेट में, लेकिन अपने लक्ष्य से भटको मत, ये जिंदगी तुम्हारी है, डर डर के कब तक जियोगी। उठो देवियों संभल के फिर से भारत में हुंकार भरो, आज पद्मिनी की समाधि पर फिर से तुम श्रृंगार करो। उठो देवियों संभल के फिर से, मजाज लखनवी लिखता है, तेरे चेहरे पर आंचल तो बहुत खूब है, लेकिन तू अपने इस आंचल को अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। आंचल था चेहरे पर किसके, लक्ष्मी बाई के, और जब अंग्रेज एजेंट आकर के बोला, बीच में पर्दा था, पीछे रानी घूंघट में, अंग्रेज एजेंट ने कहा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी राज्य का यूनियन जैक में विलय किया जाता है, तलवार से उस लड़की ने पर्दा काटा, घूंघट को पीछे किया और ऐतिहासिक वाक्य बोला कि सुनो मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। नतीजा क्या हुआ,
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लगी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अपने हक और हुकूक के लिए लगना बुनियादी सवाल है, इन पर सोचा करो, पढ़ा करो, लिखा करो, जितना पढ़ोगी, जितना अध्ययन करोगी, जितना लिखोगी, उतना तुम भीतर से मजबूत बनोगी। सब चीजें संभालो लेकिन अपने भीतर का जो ज्ञानार्जन है, स्वाध्याय, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी पढ़ाई, उसको मत चूको। आर्थिक तौर पर अगर तुम्हारे पास 10-15 हजार की भी नौकरी रहेगी ना, तो बहुत से संकट तुम्हारे दूर हो जाएंगे। खलता तब है जब तुम्हारे पास कोई आधार नहीं होता, शादी गलत हो जाती है, शादी के बाद बंदे ने छोड़ दिया, कहां जाएं? ये समाज की कट सच्चाई है। अपने पास आर्थिकी होगी, ध्यान रखना तुम्हारी जमीन तुम्हारे पांव के नीचे होगी। खैर जटायु, और अब समापन के प्रक्रम में ध्यानपूर्वक सुनना आप, मैसेंजर कैसा हो? तो कहा हनुमान जैसा। महावीर बिनवाऊ हनुमाना, आराम जासु जैसु आप बखाना। महावीर हनुमान जैसा मैसेंजर का क्यों? का अपने जिंदगी का जर्रा जर्रा दूसरों की राह में लुटा दिया, अपने लिए कोई काम नहीं किया, सारा काम दूसरों की भलाई के लिए किया, अपने जीवन का हर हिस्सा परोपकार में लगा दिया। वेद व्यास ने कहा है अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनद्वयम्, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। तुलसी ने कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को तकलीफ पहुंचाना पाप है, दूसरे को आप समझो सहयोग करना, दूसरे का ख्याल रखना, परोपकार करना, ये पुण्य है। इसका मूर्तिमान कोई देवता है तो असल में हनुमान है। और हनुमान ने सारा काम इतने, एक तो अतुलित बल धामम है, और दूसरे मनोजम मारुतुल्य बेगम है, और तीसरे जितेंद्रियम है, चौथे ज्ञानीनाम मग्रगम्यम है, पांचवें बुद्धिमताम वरिष्ठम है, और उसके बाद सरल है, निराभिमानी है। ज्ञान होने के बाद भी अहंकार ना हो बड़ी मुश्किल बात है, ज्ञान का एक अलग अहंकार होता है। लेकिन बारे हनुमान इतने विनम्र की पूछो मत, इतने विनम्र, उनको पता है कब कहां छोटा बनना है, कब कहां बड़ा बनना है। सीता के आगे गए छोटे बन के गए, सूक्ष्म रूप धरी यही दिखावा, और लफंगों के आगे विकट हो गए, विकट रूप धर लंक जरावा। कहां हमको विनम्रता से पेश आना है, हनुमान से बेहतर और कोई नहीं जानता। और कहां अपने मूल फॉर्मेट में लौटाना है, हनुमान से बेहतर कोई नहीं जानता। इसीलिए हनुमान सच्चे अर्थों में आप समझो, क्या कहा गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। रोज 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 पाठ करते हो, रोज पाठ करते हो, पाठ केवल नहीं करना चाहिए, ठहर करके उसके अर्थ को सोचना चाहिए तो बहुत अच्छी बात मिलेगी। लेकिन पाठ एक जुबानी आदत हो जाती है, हैबिट इज द सेकेंड नेचर। तो जुबान तो चलती रहती है, अर्थ दिमाग तक जाता नहीं है, दिमाग कहीं और दौड़ता रहता है। कई लोग पाठ करेंगे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जब कभी दिमकवा कहीं और है। मैं तो अखंड रामायण भी देखता, गजब पढ़ाई होती, इधर का मैं नहीं जानता अखंड रामायण कैसे होता है। हमारे वहां होगा, जब शुरू होगा तो रात के 12 बजे तक तो बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया। हमारे वहां छोड़ाने वाला सिस्टम है, जैसे मान लिया हम और महाराज जी पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा में पढ़ लूंगा, तो कोई एक आएगा छुड़ाने के लिए तो मैं हट जाऊंगा और वो बैठ जाएगा, वो पढ़ना शुरू करेगा। एक बंदा आएगा महाराज जी को छुड़ा देगा, है ना, तो वो हट जाएंगे, वो पढ़ेगा। यहां भी ऐसा होता है। अच्छा, तो 12 बजे तक खूब बढ़िया पाठ होगा, खूब बढ़िया, मतलब शुरुआत में तो बड़ा उत्साह रहता है। मंगल भवन अमंगल हारी चलेगा, खूब बढ़िया। फिर झाल उपजा के झकझोर के श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जो पानी। जैसे 12 बजे रात होगी, 1 बजे तो सब भाग जाते हैं, दो लोग फंस जाएंगे, कोई दो लोग फंस जाएंगे, सब भाग जाएंगे।
कोई दिखेगा ही नहीं, सब सो गए हैं। ये लोग बैठ करके दो लोग मंगल मंगल हरी बिहारी अपन कृपा करो भांति सब का भजन करो दिन राति खोजेंगे कोई आ रहा है नहीं छोड़ाने वाला है ना। मन कामना सिद्धि नर पावा जो यह कथा का प्रति गाव अकेले हम ही मरे जल्दी आओ तो सब अरे संपुट बोलो संपुट बोलो संपुट बोलो। पाठ का मतलब ये नहीं होता है, पाठ का मतलब होता है अध्ययन। जय हनुमान, हनुमान की जय बोलो। क्यों बोले का ज्ञानी है, का ज्ञानी होने से जय बोलना हो तो रावण की भी जय बोलो, वो भी ज्ञानी है का नहीं, ज्ञान से जय नहीं होगी। बहुत ज्ञान हो गया और आप सारा ज्ञान उपद्रव करने में लगा रहे हैं। एक गांव में हम गए बोलने तो हमने एक आदमी आए बोले महाराज जी बहुत अच्छा प्रवचन आपने किया। हमने कहा अच्छा 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 किधर घर है आपका। कहा गुरु जी घर तो नहीं बनवा पाए लेकिन आपकी दया से किसी का बनने भी नहीं दिए। जब कोई बनवाता है तो हाईकोर्ट से स्टेट चले आते हैं। सारा अकल खुराफात में। बहुत से लोगों से आप देखिएगा, आप कहिएगा जाकर के कि जरा 25,000 रुपया घट रहा है मेरे बच्चे की फीस में जरा दे दें। नहीं पैसा तो था लेकिन अभी मैंने ये काम कर दिया। और वही आपका अपने भाई से झगड़ा होगा, मुकदमा होगा तो कई लोग आ जाएंगे। हे डरना मत, सुप्रीम कोर्ट तक जाना जी, मैं हूं ना, मैं लगाऊंगा पैसा झगड़े में पैसा। सोचो आप तो कहा केवल ज्ञान से जय नहीं होगी, कहा फिर कहा ज्ञान में जब गुण मिलेगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। विज्ञान के पास विज्ञान का ज्ञान तो था, गुण नहीं था, इसीलिए पारमाणविक ऊर्जा से इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं बन पाई। बम पहले बन गया, हिरोशिमा उड़ गया, नागासाकी उड़ गया। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा, जब गुण होगा पॉजिटिव। कैसा ज्ञान कहती हूं लोग उजागर। राम दूत मैसेंजर ऑफ गॉड। कौन मैसेंजर ऑफ गॉड? राम रहीम वाला नहीं, फिल्म बनाया था मैसेंजर ऑफ गॉड का। राम के दूत बनो, अच्छाई के दूत बनो। और एक शब्द और बता दूं फिर आगे बढ़ूं। अतुलित बल धामा। हनुमान कौन है? अतुलित बल धाम है, बल के धाम है। धाम माने तीर्थ, जिसको बल होता है उसको बलशाली कहते हैं, जिसको बल होता है उसको बलवान कहते हैं, जिसको बल होता है उसको शक्तिशाली कहते हैं, जिसको बल होता है उसको ताकतवर कहते हैं, जिसको बल होता है उसको शक्तिमान कहते हैं। लेकिन बाबा का जब शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं बलधामा, भाई बलवाना कहे होते रामदूत अतिरिक्त बलवाना, लेकिन बलधामा। धाम माने तीरथ का बाबा, इसका मतलब क्या है? कहा अगर आपका बल केवल अपने लिए काम आए आप बलवान हो सकते हैं, अगर आपका बल चौराहे पर किसी निर्बल को सताने के काम आता है तो आप बलवान हो सकते हैं, लेकिन अगर वही बल जब गिरे हुए को उठाने का काम आता है तो आदमी बल का धाम बन जाता है, उसका शरीर तीर्थ बन जाता है। राम दूत अतुलित बल धामा। हनुमान रियल मैसेंजर ऑफ लॉर्ड रामा। क्या गजब के बुद्धिमान, अद्भुत अद्भुत बुद्धिमान। रावण के पूरे सिस्टम की पोल खोला हनुमान ने। पोल ध्यान से सुनना, पूरे सिस्टम की पोल खोल दिया। बात समझ में आ रही है? सही सही बोलना। हाँ कई बार शंका होती है कि बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। एक जगह तो एक व्यास जी बोल रहे थे तो एक आदमी लाठी लेकर के नीचे टहलने लगा तो व्यास जी को लगा कि लगता है जम नहीं रहा है मामला। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब बैठ जाइए, 5 मिनट और बोलूंगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं आप बोलिए, आपसे कोई टेंशन नहीं, मैं तो उसको खोज रहा हूं जिसने तुमको बुलाया है। तो हमको इन्हीं लोगों ने बुलाया है, इन्हीं से निपटिएगा, है ना। हाँ क्योंकि क्या पता यहां से जो बात बोली जा रही है वहां वही रूप में पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये भी तो एक संकट है ना। क्योंकि कई बार बोला कुछ और जाता है, समझा कुछ और जाता है, और ऐसा अक्सर होता है। शराबियों की एक सभा में डॉक्टर साहब को बुलाया गया कि जरा समझा दीजिए इन सबों को।
डॉक्टर साहब ने सादा पानी का गिलास लिया पारदर्शी और दारू का गिलास लिया पारदर्शी और जिंदा केचुआ निकाला और जिंदा केचुआ को पहले पानी में डाला। केचुआ तैरने लगा। कहा शराबी भाइयों ध्यान से देखना। फिर केचुए को उसमें से निकाल करके और दारू वाले में डाला। ज्यों डाला दारू एसिड है उगल गया मर गया। का देखा कुछ समझ में आया? शराबियों ने कहा जी डॉक्टर साहब समझ में आ गया। क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि अगर हम दारू पिएंगे तो हमारे पेट में कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे, पेट साफ है। दैत्य देखिए यही हम समझा रहे थे, ध्यान रखना आप। इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है और माताओं बहनों का कॉन्सेंट्रेशन तो और जरूरी है। ध्यान इधर ही लगाए रखना। बारीकी के साथ देखो आप। हनुमान द रियल मैसेंजर ऑफ लॉर्ड राम, राम के संदेश को, राम काज लगितो अवतारा, राम के काम के लिए ही जिनका अवतार हुआ है। और राम जैसे कारपोरेट, राम जैसे अहंकारी, राम जैसे नाजीवादी, राम जैसे फासिस्ट, राम जैसे झूठे का पोल खोलने का काम कौन करता है? हनुमान। ध्यान रखना क्रोनी कैपिटलिज्म की समर्थक सत्ता झूठ बोल करके दुनिया में अपना काम चलाना चाहती है। एक काम राम ने अच्छा नहीं किया था और सारी दुनिया से कहता था कि हमारी लंका में गजब का वैभव है और हमारी जीडीपी का कोई मुकाबला नहीं है। हनुमान ने पोल खोल दिया। एक भी उसका नहीं था, विमान तक उसका नहीं था। एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जानी जीत लैया। लेकिन सो बहुत करता था। सो दीवालों को ऐसे रंग में रंगवा दो कि अंदर कितना कचरा भरा है पता ना चले। हनुमान ने उसी भेद को खोलने का काम किया, खोलने गेम कर दिए। गेम हनुमान ने, हनुमान गजब है भाई, गजब का गेम किया। जब पहुंचे और गिरफ्तार कर लिए गए। कहानी मुझे कहना नहीं, कहानी आपको मालूम है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसको राम कथा ना मालूम। जो बात कहनी है वो सुन। गिरफ्तार, बांध लिए गए और जब बांध लिए गए तो राम ने कहा कि मारो इसको, मार डालो, खत्म कर दो। विभीषण काम आया। ये हुआ कि नहीं, वो मैसेंजर है, उसको मारना ठीक नहीं है। दूत को क्यों मारेंगे आप भाई? का फिर क्या करें? का कोई और सजा दीजिए। तो रावण ने कहा कि इसका अंग भंग कर दिया जाए। ये हुआ कौन अंग काटा जाए? अब हनुमान जी टेंशन में आ गए कि अगर इसको अपने बहन की याद आ गई तो बड़ा उपद्रव हो जाएगा, फिर मैं सचमुच रामादल में लौट नहीं पाऊंगा। क्या करने जाऊंगा जब नक्की कट जाएगा? तो हनुमान जब टेंशन में आए तो राम उधर सोच रहा था कौन सा अंग काटा जाए, जो इसका सबसे प्रिय अंग हो वही काटा जाए। हनुमान जी उसी समय जानबूझ करके अपनी पूंछ लेकर के लगे चूमने। इतना चूमे कि राम ये समझा कि अपने पूंछ से बहुत प्यार करता है। काए समझ में आ गया इसकी पूंछ काटो, पूंछ काट लो इसकी। स्वामी राजेश्वरानंद जी बहुत अच्छी बात कहा करते थे, स्वर्गीय राजेश जी बहुत अच्छे वक्ता। हाँ ये भंडारे वाले भैया थोड़ा कम शोर करे तो बहुत अच्छा है यार। पूरी बेल रहे हो कि हल्ला कर रहे हो? आपस में बात कर रहे हैं ना। पूरी उगी का जब सिस्टम शुरू होता है तो हल्ला हो ही जाता है, आप समझिए। हाँ और खाने वाले बहुत आसान्वित रहते हैं कि मतलब मिलेगा। हमारे तरफ के तो आप समझिए वो खासकर हम लोगों के जो वो होते हैं पंडित जी लोग, मिल जाए अगर पूरी सब्जी और आप समझो दही चीनी मजा आ जाता है। हाँ मतलब एक 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 जो है वो पंडित जी खाने गए और खाने के बाद मतलब लौटे तो अपनी बहू से कहा खाट बिछाओ, मेरे जैसा खाने वाला नहीं देखा होगा। मैं नहीं लेटूंगा तो तबीयत खराब हो जाएगी, इतना खा लिए थे। तो बहू ने खाट बिछा के कहा हूं बगे आए खाने वाले। कहा क्यों, मेरा कोई मुकाबला है? तो कहा कि मेरे पापा जहां खाने जाते थे वहीं से खाट पर टांग के लाए जाते थे।
वहीं से उठा करके लाया जाता था उनको। बहुत रिकॉर्डधारी आप बन रहे हो, तो ध्यान पूर्वक देखना। आप जो निवेदन मैं कर रहा था, पूंछ को चूमना शुरू किया, रावण ने समझा इसका प्रिय अंग है। राजेश जी एक बात कहते थे, बात याद आई, पूंछ क्यों कटवाना चाहता है या पूंछ में आग क्यों लगाना चाहता है? तो पूंछ को व्यंजना में ले जाइए। जब आपकी पूंछ बढ़ती है तो कुछ लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता है। पूंछ माने पूंछ, जैसे जैसे आपकी पूंछ बढ़ेगी वैसे वैसे बेमतलब का आपसे टेंशन रखने वाले पैदा हो जाएंगे और आपको ऐसा कुछ बदनाम करेंगे ताकि आपकी पूंछ घटे। उनको आपसे कोई मतलब नहीं है, उसको यही टेंशन है कि ये आदमी जब चौराहे पर आ रहा है तो 10 लोग घेर ले रहे हैं, नमस्कार 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 भाई साहब नमस्कार, हाँ आओ चाय पियो भाई, एक कप 10 तो चाय भेजो। क्या है इसमें कि इतना लोग पूछ रहे हैं? वो टेंशन में आ जाएगा। ये सबसे बड़ी जलन है। आपकी जैसे जैसे पूंछ बढ़ेगी लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे। जैसे हाथी जब किसी गांव में घुसता है तो लोक परंपरा में आज भी माना जाता है कि हाथी गणेश है। तो पूरे गांव के जितने वृद्ध वगैरह होते हैं सब लोग हाथ जोड़ लेते हैं, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी, जय हो गणेश जी। सबसे ज्यादा प्रणाम किस जानवर को किया जाता है? हाथी को गांव में। और सबसे ज्यादा कुत्ते किसके पीछे पड़ते हैं? हाथी के। जितने ही उसको हाथ जोड़ने वाले होते हैं उतने ही उस पर भौंकने वाले भी होते हैं, वाह 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 वाह। और कुत्तों का एक खास अंदाज होता है, ध्यान रखिएगा, कभी आगे से आके नहीं भौंकते, जब भौंकेंगे तो पीछे से भौंकेंगे। अगर कुत्तों से पूछा जाए कि भैया क्या तेरी रिश्तेदारी है, किस टेंशन में है तू, और अगर कुत्ते बोल सके तो उनके भीतर का भाव यही होगा जवाब कि हमको हाथी से परेशानी नहीं है, हमको उन सबों से परेशानी है जो आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। लेकिन हाथी की मस्ती देखो, न हाथ जोड़ने वालों की प्रशंसा के सामने वो रुकता है, न कुत्तों को घूम करके देखता है, वो अपनी मस्ती में अपनी चाल को चलता रहता है। पूंछ की चिंता मत करो, आप अपने अभियान पर लगे रहो, आपकी पूंछ अपने आप बढ़ती रहेगी। हनुमान की पूंछ जितनी जलाने की कोशिश की गई उतनी वो बढ़ती चली गई। तो जब चुमना शुरू किया तो कहा इसको एक काम करो, लपेट करके जला दो, जलाओ इसको। जलाया गया। अब जो बात मैं कहना चाहता हूं, पता नहीं अवधि के क्षेत्र में आप कितनी बार गए हैं, लेकिन आपको एक बात बता रहा हूं, अवध क्षेत्र में अवधि भाषा में रहा का जानते हैं क्या अर्थ होता है? रहा का अर्थ होता है था। रहा माने था, सबूत। जैसे मैं बाजार में गया, इसको अवधि में हम बाजार गए रहें लेकिन सामान नहीं खरीदें क्योंकि जेबा में पैसा नहीं रहा, जेबा में पैसा नहीं रहा, मतलब जेब में पैसा नहीं था। नोट कर लेना, हम खावा चाहत रहे, खाना में चाहता था लेकिन पेट में भूख ना आ रहा, यानी भूख नहीं थी। तो रहा का इस्तेमाल था के लिए होता है, ठीक है, समझ गए? हनुमान जी ने खेल करके पूरा भेद खोल दिया दुनिया के सामने, जब कहा कि इसकी पूंछ में तेल लगाओ, घी डालो और उसके बाद कपड़ा लपेट दो। हनुमान ने ऐसा खेल किया कि उसके पूरे जीडीपी का पोल खुल गया। जब लपेटना शुरू किया तो पता चला कि नगर में न तेल है, न घी है, न संसाधन है, रहा न नगर था ही नहीं, रहा न नगर ओ बसन घृत तेला अबाही पूछ कीन कभी खेला, ओ बाढ़ी पूछो
खेल किया हनुमान ने, कहा मैं अपने खेल से तुम्हारी सत्ता और तुम्हारे सिस्टम का पोल खोल कर रख दूंगा, जनता से तुम झूठ बोलते हो। अंत में वो स्थिति आती है कि सारी जनता ने सब मिल दे रावण ही गारी, अरे इसको क्या सोचा था, ये क्या निकल गया। बारीकी के साथ देखना आप, हनुमान ने लंका का विध्वंस जो किया, असल में वो झूठी सत्ता कारपोरेट क्रोनी कैपिटलिज्म याराना पूंजीवाद के भेद का पर्दाफाश करने वाले द फर्स्ट कॉमरेड ऑफ यूनिवर्स हनुमान। महावीर बिनवाऊ हनुमान आराम जासु जैसु आप बखाना राम जासु जैसु। हनुमान तुरंत सहयोगी देवता माने जाते हैं, पोल खोलू देवता। तीन लोगों में दोस्ती थी, एक ईसाई था और एक मुसलमान भाई और एक पंडित जी। तो तीनों ने कहा कि पिकनिक मनाएंगे, तो कहा क्या करेंगे, कहा खीर बनाएंगे और खाएंगे। तो खीर बनाया, गजब की खीर बनी, गजब की, इतनी शानदार, लेकिन केवल इतनी थी। तो लोगों ने सोचा अगर इसको बांट के खाएंगे तो कंठ के पास ही अटक जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो जो भी खाए कोई एक खाए, तो कहा कौन खाएगा, तो कहा खीर को पेड़ पे टांग, सब लोग पेड़ के नीचे सो जाएं एक घंटे के लिए, और जो सबसे बढ़िया सपना देखेगा वही खीर खाएगा, सबसे बढ़िया सपना जो देखेगा। कहा ठीक है। फिर तीनों सो गए और तीनों सोने के बाद एक घंटे के बाद उठे तो ईसाई बोला, मैंने गजब का ड्रीम देखा है, गजब का, और इस खीर पर मेरा हक है। कहा क्या देखा, कारे खुद जीसस क्राइस्ट जेरूसलम हमको लेकर के गए, और जो सर्मन ऑन द माउंट में टेन कमांडमेंट्स ऑफ जीसस जो सुनाया था, धन है वे जो मन के दीन है क्योंकि प्रभु का राज उसका है। अपने 11 शिष्यों के बीच में जो सैलो प्रदेश सर्मन ऑन द माउंट सुनाया था जीसस ने, वो हमको सुनाया, और फिर मेरी उंगली पकड़ करके ईडन गार्डन में ले गए, इससे बढ़िया सपना क्या होगा, खीर मैं खाऊंगा। मुल्ला ने कहा लाहौर वाला कुबत, तुम कैसे खा लोगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। कहा क्यों, कहा मैंने जो ख्वाब देखा है उसका जवाब नहीं, मेरे ख्वाब में खुद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, मेरी अंगुली को पकड़ते हैं और लेकर के मदीने जाते हैं, और उसके बाद जन्नत की यात्रा होती है, और उसके बाद हुजूर के पास बैठ करके मैं नमाज में शरीक होता हूं, और उसके बाद आदम के बगीचे में जाता हूं, जन्नत में तमाम हूरे हैं, और सोचो तो फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं, मेरा ख्वाब कितना बढ़िया है कि हुजूर के साथ नमाज पढ़ा, खीर मैं खाऊंगा। पंडित चुपचाप बैठा था, दोनों ने कहा वो पंडित लगता है बहुत खराब सपना देखा है। कहा बहुत खराब देखा है, बहुत खराब। कहा क्या देखा, कहा मैं अभी सोने की कोशिश कर रहा था तब तक हनुमान जी आ गए, आकर के कहा वे पंडित उठ, मैं उठ गया। दोनों ने पूछा फिर क्या हुआ, कहा उठा तो उसने, हनुमान जी ने कहा कि ये चुपचाप खीर उठा के खा ले, मरना मारूंगा दो गजा खोपड़ी फट जाएगी। कहा है, उसके बाद क्या हुआ, कहा मरता क्या ना करता, गदा के डर से मैंने उतारा और खा गया। हाँ यार खा गए, और खा गया भाई क्या करूं, मार देते हो गदा से, खा गए तो हमको क्यों नहीं बुलाया। कहा तुम दोनों को बुलाया, इसको भी चिल्ला करके बुलाया, तू ये जीसस के साथ बैठा हुआ था और तुमको बुलाया, तुम पैगंबर के साथ बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे, मैं क्या करूं। सोचो आप, हनुमान जी तत्काल फल वाले देवता, और इसीलिए हर नगर में उनकी पूजा होती है, द रियल मैसेंजर ऑफ गॉड लॉर्ड हनुमान। किस तरीके से जो भी दुनिया को सताने का काम करने वाला सिस्टम है उसका पोल कैसे खोला जाए, ऐसी बुद्धि केवल हनुमान के पास है, इसीलिए बुद्धिमताम वरिष्ठम। और इन महान नायकों को लेकर के जब राम जैसा महानायक आगे बढ़ता है, सोचो संसाधन की कमी का रोना नहीं रोया, रावण के पास रथ है, राम पैदल है, रोना नहीं रोया, रावण के पास अनेकों हथियार हैं,
राम के पास जो बंदर हैं उनके पास क्या है? पत्थर है, पेड़ की डाल है, जंग होती है, जीतता कौन है? नोट कर लेना, तनख्वाह वाले हार जाते हैं, समर्पण वाले जीत जाते हैं। समर्पण चाहिए लक्ष्य को लेकर के। बहुत दुर्घटनाएं घटी, लक्ष्मण को तीर लग गया। शक्ति सुनना, एकदम समापन करने जा रहा हूं। लक्ष्मण को शक्ति लग गई, कहा डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुला करके लाया गया। डॉक्टर जब आया, कहा दवा करो, कहा दवा नहीं है, दवा कहीं और मिलेगी। कहा दवा क्यों नहीं है जब तुम डॉक्टर इतने महान हो तो? कहा यही तो सिस्टम का फेल्योर है, डॉक्टर हैं, मेरा हॉस्पिटल भी है, लेकिन देश से दवा गायब है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए मैं क्या करूं, मैं कर भी क्या सकता हूं, मेरे पास कुछ है ही नहीं। जाओ मेरी डिस्पेंसरी देख लो, तुम तो उठाई लाए हो, देखो जाओ चेक करो उसमें है। और बुनियादी दवा है जीवन रक्षक एंटीबायोटिक संजीवनी, हनुमान एक ही उपाय है, किसी तरीके से उसको उठा करके लाना पड़ेगा। हनुमान हर जगह पोल खोलते हैं, लेकर के संजीवनी आते हैं, लखन को जिलाते हैं। और हनुमान और तमाम महानायकों के आप समझो त्याग और बलिदान के फल स्वरूप अंततः वो जंग जीती जाती है। लेकिन जंग को लड़ने से पहले राम ने स्थापना किसकी किया था? लिंग थापि विधिवत कर पूजा, अशिव समान प्रिय मोही न दूजा। लिंग थापि, शंकर की स्थापना किया था। शंकर रावण के पूज्य, मानो राम को दुनिया, राम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हमारा कोई उस वर्ग से, समुदाय से हमारा कोई टेंशन नहीं है, लंका से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। देखो ना, जो उनके इष्ट हैं वो हमारे भी इष्ट हैं। हमारा वैचारिक टकराव है, उसका विचार दुनिया और समाज को खत्म करने वाला है, और हम दुनिया और समाज को सम्यक बनाने के लिए आए हैं। इसलिए ये जंग आइडियोलॉजी की है, और इसीलिए जीतने के बाद राम लंका को गुलाम नहीं बनाते हैं। एक भाई मरता है, दूसरे भाई को सत्ता सौंप देते हैं, क्योंकि शिव भी समन्वयवादी हैं। शंकर मिलाने का काम करते हैं, शंकर सबको मिलाते हैं। सोचो तो, गले में सांप है और शंकर का एक बेटा चलता है मोर से, मोर सांप को खाता है, लेकिन दोनों को शंकर मिला देते हैं। गले में सांप है और एक बेटा चलता है चूहे से, सांप चूहे को खाता है, दोनों को मिला देते हैं। वो चंद्रमा है, यहां चंद्रमा में अमृत है, गले में विष है, दोनों को अपने पास रखते हैं। पत्नी की सवारी बाघ है, अपनी सवारी बैल है, दोनों में टेंशन है, दोनों साथ रहते हैं। मिलने वाली चीज को जो मिला दे, इसमें कारीगरी नहीं है। दूध में पानी मिला दो, पानी में दूध मिला दो, इसमें कौन कारीगरी, तो मिल ही जाएगा। लेकिन तेल में पानी मिला दो तो ये केमिस्ट्री है। ना मिलने वालों को मिला दो, इसीलिए भारतीय संस्कृति के पैरोकारों से पूछा गया कि एक बात बताओ। मानो पश्चिम के अध्येताओं ने पूछा कि सुनो, दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा तुम्हारे वहां केवल देव है, और दुनिया का पालन करने वाला विष्णु केवल देव है, और दुनिया को खत्म करने वाला शंकर महादेव है, ये क्या बेमतलब की बात है? का समझे नहीं, उसकी जिंदगी देखो। दुनिया का पालन करने वाला ब्रह्मा देव हो सकता है, दुनिया का पालन करने वाले विष्णु देव हो सकते हैं, लेकिन जिसकी जिंदगी में आने के बाद सांप और चूहा, सांप और मोर, बाघ और बैल एक घाट का पानी पीना शुरू कर दे, वो देव नहीं होता, महादेव बन जाता है, क्योंकि सबको मिलाने का काम करता है। जो सबको मिलाए वही तो महादेव है। इसीलिए शिव का किरदार सबसे अनूठा है। कामदेव को जला चुकने वाला व्यक्ति, जिसने आप समझो टेस्टोस्टेरॉन का सेंटर ही फूंक दिया, कामदेव को जला देने वाला, मगर फिर भी पत्नी को इतना प्यार करता है कि सीता को जब आशीर्वाद मिला तो आपको मालूम है क्या आशीर्वाद मिला? हे लड़की, तुम्हें तुम्हारा पति उतना ही प्यार करे। कहा कितना? कहा जितना पार्वती का पति शंकर उसको करता है। पार्वती सम
पति प्रिय हो आ देवी न हम पैर छाड़ी बिछो पार्वती। पार्वती और शिव में नोक झोंक भी है और प्यार भी गजब का। पार्वती ने एक बार कहा कि तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हारी भांग पीसते पीसते मेरी कलाई दुख गई है। 10 मिनट और बोल दे रहे, बोल दे हाँ पक्का ना, बोर नहीं हो रही हो? हाँ, तुम्हारे साथ रहते रहते मेरी कलाई दुख गई है तुम्हारी भांग पीसते पीसते, जरा हुक्म देते तो कहीं घूम आती। तो कहा बेमतलब कहीं जाओगी और मतलब झगड़ा हो जाएगा। एक बार मतलब चली गई थी सती जन्म में अपने बाप के पास बिना बुलाए, पूरा झगड़ा बवाल हुआ कि नहीं हुआ? मत जाओ। कहा कि मैं झगड़ालू हूं? कहा औरतें झगड़ालू नहीं होती, लेकिन जहां 10 ठो इकट्ठा हो जाती है झगड़ा अपने आप हो जाता है। कहा देखो चिंघाओ मत, जाने दो। कहा ठीक है जाओ। चली गई, कहां गई? लक्ष्मी के वहां। तो लक्ष्मी ने सोने का नया कंगन बनवाया था। तो अब एक्सपोज की प्रवृत्ति थोड़ी ज्यादा होती है, मनोवैज्ञानिक मामला है। इनके भी बहुत बहुत से कमजोरियां इनकी भी होती हैं, इनकी कमजोरियां अलग हैं, आपकी अलग है, ये मनोविज्ञान का मामला है, निंदा नहीं कर रहा हूं। ये कमजोरी जैसे मान लिया कि औरतें अपनी उम्र और पुरुष अपनी तनख्वाह कभी सही नहीं बताता, कमजोरी है। तनख्वाह में अगर 10,000 पाएंगे तो 1,000 छुपा लेंगे, 9,000 देंगे, 1,000 कटौती हो गया, यही 9 मिला है। कारण भी है, जानते हैं कि अगर 10 जानेगी पूरा लेकर रख लेगी, चौराहे पर भी जाना है, दोस्तों को चाय पानी भी कराना है, तो तनख्वाह घटा के बताते हैं। और कभी कभी तो ये कमाल करती है, आप आएंगे मान लिया कि 100-100 का 10 नोट पैकेट में रखा हुआ है, आपने कुर्ता निकाला खूंटी पर टांग दिया, बाद में आप अपना अखबार पढ़ रहे हैं, ये आएंगे धीरे से उसमें से 200 रुपया निकाल लेंगे बक्सा, 200 रुपया रोज रोज वैसे निकालेंगे आप। सुनो, निकाली हो क्या? इसमें 1,000 था, तुरंत बोलेंगी नहीं विश्वास है तो वहां मत टांगा करो, कौन निकालने जा रहा है तुम्हारा। वो बेचारे मान जाए, हो सकता है 800 रहा हो, हम ही गलत हो। ऐसे साल दो साल में जब खूब इकट्ठा हो जाएगा तब जाएगी नैहर और उसी पैसे का बनवाएगी नथिया, अच्छा है झुमका। और जब लौट करके आएगी फिर ससुराल में तो सबसे कहेंगी इस बार भैया यही बनवा के दिए हैं, बारे भैया पैसा लगा है पति का, नाम हो रहा है भैया का, गजब बात है भाई, भैया यही बनवा के दिए हैं। सोचो सावधानी पूर्वक, तो बारीकी के साथ देखना आप। हाँ, अब ये मनोविज्ञान की बात है। तो महिलाएं अपनी उम्र और पुरुष अपनी तनख्वाह कभी सही नहीं बताता है। एक बार ट्रेन में 3 महिलाएं आ रही थी, एक की उम्र थी 45, एक की 35, एक की 25। तो 45 वाली 35 वाली से बोली, कल मेरा 35वां जन्मदिन था, 10 साल घटा दिया, मेरे पति ने साड़ी भेंट किया है, कैसी है? कहा बहुत अच्छी है। 35 वाली बोली, सुनो मेरा कल 25वां जन्मदिन है, 10 साल घटा दिया, मेरे पति ने एडवांस में चेन भेंट किया है, कैसी है? कहा ठीक है। तो जो 25 साल वाली थी चुप थी, तो दोनों ने पूछा तुम क्यों चुप हो? तो कहा तुम लोगों को यही सब पड़ी हुई है, मैंने नौकरी का वांट भरा है, 18 साल उम्र मांगा है, मेरा केवल 17 हो रहा है, मैं टेंशन में हूं, उसने भी घटा दिया। तो ऊपर वाले बर्थ पर एक 70 साल का बूढ़ा लेटा था, इनकी बात सुनकर के वो पक गया, उसी पर से उलट गया और गिरा भद्दा। तो इन दोनों तीनों ने पूछा है आपकी तारीफ का, बस अभी पैदा हुआ, हाँ अभी आ ही रहा हूं, बचने का दरिद्रता, जब झूठे बोलना है तो 0 से शुरू करो, ध्यान रखना आप। तो खैर एक्सपोज की प्रवृत्ति, तो लक्ष्मी का कंगन, तो जैसे मतलब ससुराल में लड़के जब घड़ी पाते हैं बढ़िया, तो अपने दोस्तों को कैसे बुलाते हैं? हे जी सुनो, तो जब चकाचौंध मारता है तो लोग पूछते हैं बा बेटा पाए हो क्या? कहे हैं राडो है,
है ना। तो ऐसे ही लक्ष्मी ने कहा आओ बहन पार्वती आओ। पार्वती ने जुल्फे झटक दिया, जाओ मैंने देखा ही नहीं। पार्वती ने लक्ष्मी ने देखा कि इसने तो देखा ही नहीं, अब दिखाना तो पड़ेगा। तो मजबूरी में निकाल के कहा यही बनवाई है, जब तुम पहनो देखो हो रहा है। अब मजबूरी में पार्वती ने पहना कंगन ढीला, कहा बड़ी दुबली हो गई हो, लगता तुम्हारा पति तुमको मानता नहीं है। अब क्या मानेगा बेचा, पर्वती इलाके में रहता है, कुछ खाने को होता भी तो नहीं है, सब बेकार इलाका है, और कुछ करते भी तो नहीं है। कहा हाँ हाँ तुम्हारे ही वहां से राशन जाता है, बेमतलब की बात कर रही हो, मैं नहीं जानती तुम्हारे बारे में। क्या जानती हो, कहा तुम क्या जानती हो, झगड़ा हो गया। कहलवाओ मत, कहा तुम भी कहलवाओ मत, कहा कह के देखो, कहा सुनो तुम्हारा पति शंकर अस्मसा की उस जमी पर जागता होगा, अस्मसा की उस जमी पर जागता होगा, या भस्मासुर के सामने से भागता होगा। पार्वती ने कहा है। सूप हंसे तो हंसे, चलनी क्या हंसे जिसमें 1000 पॉइंट पहले से है। का मतलब, का तुम्हारा पति भिखमंगा है। कहा का हा भीख मांगा है जी, और सुनो डांसर भी है, हमारे वहां कहते नचनिया। कहा अरे कहां नाचा है, कहा मेरे पति के सामने यज्ञशाला में बलि के मांगता होगा, यज्ञशाला में बलि के मांगता होगा, या मोहिनी बंसी के आगे नाचता होगा। मेरे पति के सामने डांस किया, पूछ लेना। लक्ष्मी ने सोचा जाओ घर आए मेहमान से क्या झगड़ा करें, और पार्वती ने सोचा दूसरे के इलाके में झगड़ा बवाल ठीक नहीं है, लौट करके आई। शंकर जी बैठे हुए हैं ध्यान में, अर्ध निमृत नासाग दृष्टि देखा, आंखों को तिरछा करके मैया पार्वती के गाल गुस्से में टमाटर की तरह लाल एकदम। का कुछ हुआ है क्या जी, का कुछ हुआ नहीं है लेकिन मैंने भी खूब बनाया है। का कुछ हुआ भी नहीं है, बनाया भी है, मतलब का रे पता नहीं क्या क्या तुमको बोल रही थी, तो मैंने भी खूब सुना है। का क्या बोल रही थी वो, अरे बोल रही थी कि तुम्हारा पति श्मशान पर घूमता है भस्म, और तुम भी श्मशान में अब क्यों जाते हो, तुम ही ऐसे नहीं रहते ना तो दुनिया ताना नहीं मारती। कहानी ठीक है आगे बताओ। कब मैंने भी कह दिया कि तुम्हारा पति भिकमंगा है, कारी बाप ऐसे बोल दिया, का यही थोड़े बोला, यह भी बोल दिया कि तुम्हारा पति डांसर है नचनिया है, कारी इष्ट है हमारे का, चुप रहो सब दुष्ट है, हमको जो मन में आया हमने बोल दिया। कब पागल हो, नाचने को तो मैं भी नाचता हूं, तुम भी नाचते हो। कहां नाचता हूं, चुप रहो कहना मत बदनामी होगी। कहा नहीं तो मैं वो माइकल जैक्सन वाला डांस थोड़े करता हूं। कहा फिर कौन डांस करते हो, कहा मैं दाहिना पैर उठा दूं तो धरती की छाती फट जाएगी। कहा कहा बायां उठा दूं पार्वती आसमान का कलेजा चक कर जाएगा, मतलब का कायनात में आग लगेगी, ज्वालामुखियां फट पड़ेगी, सब कुछ इधर उधर बिखर जाएगा। का ये कौन डांस है, का तांडव सुना नहीं है मेरा चेला जब गाता है, जटाट विगल ज्वल प्रवाह पावित स्त्रे गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमर डुमर 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 निनाद मर डुमर भयम चकार चंड तांडव तनोत्ना शिवा शिवम जटा कटाह सभ्रमा रमा निलिंप निर्जरी बिलोरवी चबिल्लरी विराजमान मूर्धनी दागा 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 डुरल ललाट पट पाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक जगम। मैं वो डांस करता हूँ, आग लगेगी कायनात में आग। पार्वती ने कहा रे बाप रे, अगर वही डांस करवा दें तो सारी दुनिया में आग लग जाएगी, और उसी आग में विष्णु लक्ष्मी और उसका कंगनमा सब जर के भाषा। लेकिन सवाल यह है कि बुढ़ऊ नाचेगा कैसे, कैसे नचाए, कहने पर तो नहीं मानेंगे। तो खूब बढ़िया खाना बनाया, खूब बढ़िया खाना बनाने की स्टाइल इतनी शानदार थी कि मतलब आप समझिए। और शंकर जी को जो सुगंध नाक में पहुंची एकदम खतरे घंटी,
कि बीबी जिस दिन बगिया खाना बनाए समझ लो बनारसी साड़ी की फरमाइश करेगी। और बैठे हैं खूब बगिया और परोसा गजब का खाना। परोसना एक कला है, परोसना ठीक से आए परोस दो तो आदमी को चार रोटी की भूख हो आठ खा के उठेगा, और परोसने ना आए तो आठ रोटी की भूख है दो ठोखा के उठ जाएगा। खाना परोसना एक कला है। पार्वती ने कैसे परोसा सीख लो, खूब बढ़िया एकदम कटोरी में घी लगा करके पहले और चावल को उसमें रख करके दबा दिया, और फिर पलट के मारा पट से इतना गोल चावल, और उसके बाद दाल फ्राई, उसके बाद दो प्रकार की सब्जी, उसके बाद हरी हरी चटनी, चावल के ऊपर आधा कटा हुआ नींबू और एकदम कटा हुआ मिर्चा और थोड़ा सा सोया और थोड़ा सा धनिया। मुंह में पानी आ रहा, मैं देख रहा हूँ यहीं से दिखाई दे रहा है, और सब सजा करके एकदम और फर्स्ट क्लास रख दिया बहुत बढ़िया ढंग से। ऐसे रख दिया जाए ना तो भूख बढ़ जाती है, ये परोसने का तरीका है। कई बार इतनी अब तो मतलब, और ये नहीं कि अब दे दिया तो उसको खाने दे, ले जाओ दरवाजे खाओ, जाओ बाहर जाओ, बाहर जाओ खाओ जाओ। अब वो बेचारा वो थाली लेके उठा डगमग डगमग, थोड़ा सा थाली टेढ़ी हुई हिमालय पर्वत सड़क के दाल में, दाल बाउंड्री के बाहर, वो खड़ा होकर के हिन 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 हिन, तो दौड़ के पूछते गिरा दिया क्या जी हो, तो भाग के आएगी और उल्टे उसी को मारेंगी, लो ये दाल है ये बात है बेवड़ा, जबकि उसको चैन से बैठ के खा, चालाक बहुत होती है ना, कभी देखना खाना खा रहे हो दाल में दिखाई दी मक्खी, आप चिल्लाओगे ये मक्खी है क्या जी, तो भाग के आएंगी मक्खी कहां मक्खी, ये जीरा है जीरा, ऐसा मसलेगी कि पोस्टमार्टम करने पर भी बरामद नहीं होगा, सोचो आप है ना। तो पार्वती ने सोचा कि कैसे इनको नचाएं, कैसे नचाएं, तो खूब बढ़िया खाना बना करके रख दिया, और जो शंकर जी ने खाया तो पूछा कैसा बना है, शंकर ने कहा तुम अपना काम बताओ, का भोले नहीं मजाक मत करो, कहा नहीं अच्छा बना है बहुत अच्छा बना है, का भोले एक काम कर दोगे, कहा क्या, का वही नाच नाच देते, का कौन सा तांडव, का रे समय नहीं आया है, का तकदीर की रेखाएं हाथ में है समय मुट्ठी में नाचो, कहा आग लग जाएगी, कहा लगने दो, शंकर ने देखा कि यहां पर पावर ऑफ मसल्स काम नहीं करेगा, इंटेलेक्चुअलिटी काम आएगी, कहा पार्वती नाच दूंगा लेकिन चार विपत्ति आएगी सहल तो नाच दूंगा, कहा जल्दी जल्दी बताओ, कहा सुनो नाची 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 माया नाची कैसे, डम डमा डम डम रूबाजी अरे चार विपत्ति छा जाई, पहला अमृत चुई बघम्बर जागी बैला के धरि खाई, चंद्रमा में अमृत है नाचूंगा तो छलकेगा बघम्बर पर गिरेगा, बघम्बर बाघ बनेगा, बाघ बैल को खा लेगा, सवारी कैसे करेंगे, का जिसके पास फॉर्चुनर नहीं हो नहीं चलता है पैदल चलेंगे नाचो, का चलो तीन बचा है और सुन लो फिर नाच दूंगा, अपनी लटों से एक बाल निकाल करके गंगा को उलझा करके तब जमाने में भेजा है, बाकी वो फंसी हुई है इसी में, नाचूंगा जुल्फे खुल जाएंगी, गंगा बेअंदाज धरती डूबेगी, तुम जगदम्मा हो सारी दुनिया की माँ हो, तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे मरेंगे तकलीफ नहीं होगी, हर हरा हर गंगा चली है जग डूबी उतराई, हरे हरा हर गंगा चली है अरे जग डूबी उतराई, दुनिया के दुखवा तुहसे कैसे देखल जाई, भोजपुरी है समझ में आ रहा है ना, कैसे सहोगी, का समझ लूंगी नागिन हूं अपना बच्चा खुद खाती हूं नाचो, का बाप रे बाप पारा तो थर्मामीटर तोड़ के बाहर निकल रहा है, काचा सुनो सुनो पार्वती ये गले में सांप पहनता हूं तो लोग समझते हैं कि पागल हैं आवारा हैं धतूर खाते हैं, नहीं पार्वती समंदर का मंथन हुआ याद करो उस घटना को,
ऐरावत हाथी निकला जन्नत वाले लेकर के चले गए, उच्च सरवा निकला जन्नत वाले लेकर के चले गए, कलप वृक्ष निकला जन्नत वाले लेकर के चले गए, लक्ष्मी निकली विष्णु के साथ चली गई, अमृत निकला देवता बांट करके पी गए। लेकिन जिंदगी को जला देने वाला जहर जब निकला तो दुनिया की भलाई की खातिर कोई उसको पीने को तैयार नहीं हुआ। उस समय तुम्हारा ये पति इस सारी दुनिया को बचाने के लिए पूरे जहर को अपने गले में लाकर के डाल दिया, लेकिन जहर जहर है पार्वती, अगर अगर वो नीचे चला गया तो मैं भी मर जाऊंगा। तो सांप पहना कि विष का समन करता है, गले में लिपटा रहता है, नीचे नहीं जाने देता है, नाचूंगा पसीना होगा, सांप छलक के नीचे गिरेगा, मोर बैठा हुआ है खा लेगा, और इधर जहर नीचे जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे मरने की टेंशन नहीं है, तुम विधवा हो जाओ। सर सरा सर सपवा चली है मोरवा बिन के खाई, सर सरा सर सपवा चली है मोरवा बिन के खाई, तब के जहर उतारी हमरा हमरो दम घुट जाई। पार्वती ने कहा कि जा करके मणिकर्णिका घाट पर सती हो जाऊंगी, नाचो, विधवा का जीवन जी लूंगी, कबूल है लेकिन नाचो, कंगन को रहने नहीं दूंगी। कहा ठीक है मैं तैयार हूं। एक और है सुन लो, पार्वती दुनिया में कोई पति अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करता है तो मैं तुमको, लेकिन अपने सारे जन्मों को मिला करके तुम अब तक 31 बार मरी हो और 31 बार तुम्हारे प्यार के बसीभूत होकर के तुम्हारे मुंडों को लेकर के मैंने माला बना करके पहन लिया, इसको मसानी बोलते हैं, नाचूंगा अमृत गिरेगा मसानी जग जाएगी, 31 पार्वती और एक तुम, 32 कैसे पहचानूंगा कि असली पार्वती कौन है नकली कौन है, किसको कम प्यार करूंगा किसको ज्यादा। साइकोलॉजी ऑफ द वुमेन इन द पीरियड ऑफ इंडियन माइथोलॉजी पुराना आज, औरत पति की मौत को बर्दाश्त कर सकती है लेकिन मोहब्बत के बंटवारे के लिए सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। शंकर बोल रहे हैं, अमृत चुई मसानी जागी सुना शिवा मन जांच, अमृत चुई मसानी जागी अरे सुना शिवा मन जांच। पार्वती ने कहा यह विपत्तिया बड़ भारी बा बम भोला मत नाच, रहने दो मत नाचो। शंकर ने कहा कि फितरतन नचनिया हूं, अब तो मूड बन गया है अब तो नाचूंगा, कहना भोले मान जाओ, बहुत मनाया। तब शंकर ने कहा सुनो सवाल नाचने का नहीं है, सवाल इस बात का है कि मेरा वेश देखो अमंगली हूँ, ड्रेस देखो अमंगली हूँ, परिवेश देखो अमंगली हूँ, रहने का स्थान देखो अमंगली हूँ, साथ रहने वाले लोगों को देखो पूरा आप समझो परिदृश्य अमंगली है, लेकिन अमंगल वेशधारी ये शंकर तुम्हारा पति जानती हो कौन है। का कौन का मंगल के देवता गणेश का बाप है, क्योंकि मेरी भावना अमंगली नहीं है भावना मंगलमय है। तो गणेश की मां के भीतर ऐसा भाव कहां से आ गया कि दुनिया भरे जल करके राख हो जाए लेकिन लक्ष्मी का कंगन जलना चाहिए, प्रायश्चित करो। का कैसे? का चलो मेरे साथ गौरी शंकर के उतंग शिखरों पर बैठ करके दोनों मिल करके गाएंगे। का क्या गाएंगे? मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी उमा सहित। समन्वय के उसी महादेव की पूजा करने के बाद भगवान राम ने लंका का अभियान किया और उसके बाद रावण की मौत राम राज्य का प्रस्थान बिंदु बना। पुष्पक विमान से भगवान राम अयोध्या लौटे और जब गद्दी पर बैठे तो बाबा तुलसी ने क्या कहा? बाबा तुलसी ने कहा राम राज बैठे त्रैलोका हर्षित भय गए सब शोका। और मोहब्बत को जिंदा रखिए क्योंकि राम का सिद्धांत है, बयरु न कर काहू सन कोई आराम प्रताप विषमता खोई
कोई इतना गरीब ना हो कि कोई उसको खरीद ले, और कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों का दाम लगा दे। ऐसा समाज हो जहां पर सब लोग सानंद हो और सब लोग आपस में हर प्रकार की, आप समझो, हर प्रकार के द्वैत बुद्धि को भुला करके समन्वय बात के हिसाब से रहें। वो एक चौपाई है कैसे, राजघाट अति सुंदर वर, मज्जहि जहां वरन चारिउ नर, ब्राह्म क्षत्रि वैश्य शूद्र। और आज की जबान में कहें तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हर प्रकार के लोग मिलकर के समाज को बेहतरीन बनाने का जब प्रयास करते हैं, एक ऐसा मानवीय समुदाय जो जिंदगी को जीने के लायक बनाता है, और जो जीवन को जीने के लायक बनाता है वही राम का काम करता है। खूब जोर से जयकारा बोलिए, बोलो राजा रामचंद्र की, राजा रामचंद्र की। संचालक जी वाला माइक कहाँ है, हमको दे दीजिए जरा, संचालक जी वाला माइक कहाँ है। हाँ, तो और सब लोग मिलकर के एंजॉय करेंगे, और थोड़ी देर में आप समझो कुछ मिनट बाद, हाँ हमको दो, चालू है, कुछ मिनट के बाद आरती की प्रक्रिया शुरू होगी, थाल तैयार रखिएगा। लेकिन हेलो, सब लोग मिलकर के और उसके बाद सेलिब्रेट करेंगे। आवाज साफ है, आवाज साफ है, अच्छा तो सब लोग मिलकर के मेरे साथ गाएंगे, सब लोग। नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, एक बार जयकारा बोलो, बोलो राजा रामचंद्र की। नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन। आपको बोल रहा हूं, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन। नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सोका, हर्षित भय गए सब सोका, भयरुन कर काहू सन कोई, भयरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप विषमता कोई, हर मन को मिला रे आराम मगन मन नाचो रे, मन को मिला रे आराम मगन मन नाचो रे। नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, नाचो रे नाचो रे नाचो रे हाँ नाचो रे, अरे बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे, बन गए राजा राम मगन मन नाचो रे। अरे मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, अरे मन पायो रे बिसराम मगन मन।
तन ना चोरे बन गए राजा राम मगन मन ना चोरे बन गए राजा राम मगन मन ना चोरे हमने सबको कथा सुनाया हमने सबको कथा सुनाया विधुना नगर ने कथा कराया विधुना नगर ने कथा कराया सबको राम कथा सुनवाया सबको राम कथा सुनवाया सबको कृष्ण कथा सुनवाया सबको कृष्ण कथा सुनवाया अब कथा हुई रे विश्राम मगन मन ना चोरे अब कथा हुई विश्राम मगन मन ना चोरे बन गए राजा राम मगन मन ना चोरे बन गए राजा राम मगन मन ना चोरे आरत श्री रामायण जी की 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 कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की दावत ब्रह्मादित मुनि नारद दावत ब्रह्मादित मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सन कादि शेष अरु शारद सुख सन कादि शेष अरु शारद परनि पवन सुत कीरत नीकी परनि पवन सुत कीरत नीकी अरे बोलो सीताराम मगन मन ना चोरे बोलो सीताराम मगन मन ना चोरे गावत वेद पुराण अष्ट दस गावत वेद पुराण अष्ट दस छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस छहो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस मुनि जन धन संतन को सर्वस सार अंश सम्मत सब ही की सार अंश सम्मत सब ही की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी व्यास आदि कवि वर्ग बखानी भागभुसुंडि गरु के ही की भागभुसुंडि गरु के ही की मन को मिला रे आराम मगन मन ना चोरे मिला रे आराम मगन मन ना चोरे बन गए राजा राम मगन मन ना चोरे बन गए राजा राम मगन मन ना चोरे कलिमल हरण विषय रस भी की कलिमल हरण विषय रस भी की सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की सुभग सिंहार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरी अमी की दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की तात मात सब विधि तुलसी की आरत श्री रामायण जी की आरत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की कीरत कलित ललित सियपी की अरे बोलो सीताराम मगन मन ना चोरे बोलो सीताराम मगन मन ना चोरे कथा हुई रे विश्राम मगन मन ना चोरे कथा हुई रे विश्राम मगन मन ना चोरे मगन मन ना चोरे मगन मन ना चोरे बोलो राजा रामचंद्र की राजा रामचंद्र की बोलो सियावर रामचंद्र की बजरंग बली की आज के दिन की सत्संग समारोह की आपके महोत्सव की विधुना नगर की सब देशवासियों की सब समाज की सब तीर्थन की बोलो बोलो राजा रामचंद्र की बोलो भारत माता की हर 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 महादेव। मैं अपने सांगल हो अपने दिल के दस्तावेज में रखना और बाकी मुलाकातें उम्मीद हैं कि हो सकता है वक्त हमारी मुलाकात कराता रहे और
आप लोग इसी प्रकार खुश और खुर्रम अच्छे ढंग से जिंदगी व्यतीत करें। अच्छे कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे प्रणाम को आप स्वीकार करें। सादर नमन। अभी आपने बहुत ही सुंदर रामायण की बहुत ही सुंदर व्याख्या हमारे परम सिद्धि के मुखारविंद के द्वारा श्रवण की, और एक बार उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं आप सब लोग। अगर कथा वाकई और ये कार्यक्रम, जैसा कि मैं रोज आपको बताता हूं कि ये 11वां दिवसीय 13वां वार्षिक महोत्सव आपके जन सहयोग से निरंतर चल रहा है, जिसमें बहुत ही दूर दूर से हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छे वक्ता आपके बीच रखें। और अगर ये कार्यक्रम हमारा वाकई सराहनीय रहा हो तो एक बार जोरदार तालियों से आप हमारी जय श्री राम सेवा समिति का सम्मान करें। और हमारे मंच पर परम सिद्धे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप अपना अनुग्रह हमारी इस जय श्री राम सेवा समिति पर आशीर्वाद का हाथ परस्पर रखे रहें। जब तक हमारी समिति और समिति की ओर से अगर कोई त्रुटि या कोई कमी आपके बीच रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और नगरवासियों से भी मैं ये अनुरोध करूंगा कि बड़े आयोजन में हो सकता है किसी को सम्मान या किसी व्यवस्था में हम ना दे सके हों, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। और कल इस आयोजन का पूर्ण विराम, चूँकि कल हवन पूर्ण आहुति हवन और इसके बाद भंडारे का कार्यक्रम, आप सभी लोगों का आमंत्रण निमंत्रण आप लोग स्वीकार करें, क्योंकि आपके दिए गए धन के द्वारा ये कार्यक्रम निरंतर अपना 13वां वार्षिक महोत्सव, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा ये नामित कार्यक्रम नहीं, हम सब कार सेवक की भूमिका में आपके बीच में, और आप सबका दिया हुआ धन है, उसी से ये आयोजन निरंतर चल रहा है। आप सबसे निवेदन कि समय से आप लोग कल कथा पांडाल में आए और प्रसादी अवश्य ग्रहण करें, और जो लोग हवन में बैठना चाहें वो 3 बजे का समय है, दिन में 3 बजे आप लोग कथा पांडाल में आए, और इसके पहले भजन संध्या का कार्यक्रम चलेगा। आप सभी से ये निवेदन कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में समय से कथा पांडाल में आएं और प्रसाद को अवश्य ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राधे। कुछ दान हमारी समिति को मिला है, प्रकाश स्वीट हाउस जो कि भंडारे में 1100 रुपए की मटर इनकी तरफ से प्राप्त हुई, और 500 रुपया श्री नमो नारायण जी अवस्थी गौ सेवा प्रमुख, 500 रुपया इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं, 251 रुपया श्री दुलारे सिंह यादव बेला रोड बिधुना, जीतू गुप्ता मिष्ठान भंडार दिव्यापुर तिराहा बिधुना, 51 किलो आटा, और 1100 रुपया श्री नीलेश पोरवाल सर्राफ सावित्री ज्वेलर्स बिधुना, 105 रुपया केदार बाबा चाट वाले, 1100 रुपया राजेश मेडिकल स्टोर फीडर रोड बिधुना, और 2100 रुपया श्री उदयवीर सिंह सेंगर राजकीय ठेकेदार जो कि हसजना निवासी हैं और आर नगर में इस समय उनका निवास, 1100 रुपया शिव अवतार सिंह, 1100 रुपया शिव अवतार सिद्ध बली बाबा गुरु गोरखनाथ जाहरवीर सेवा समेत बिधुना, इनके तरफ से 1100 रुपया